हम दो थे और तीसरा था हमारा नसीब, जो शायद मुंह फुला के कहीं जाकर सो गया था। शहर था मुंबई और वहां की भागदौड़। हम इंजीनियर बने और लग गए भीड़ के साथ इस खूंखार शहर में नौकरी की तलाश में। 15 लाख के पैकेज की उम्मीद के बजाय मिली 15,000 रुपल्ली की नौकरी। जिंदगी की इस उठापटक के बीच एक वक्त ऐसा आया जब हमें लगा कि बस एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहां सारे शहर की निगाहें हम पर हो। वाले भी ना मरे क्या क्या न्यूज दिखाते रहते हैं इसे। क्या भाई गलत क्या दिखा रहे हैं? यही तो हो रहा है भाई। बाप ने कहा होगा कि भाई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के दिखाओ। लौंडे ने कहा नहीं, हम तो आपको सुसाइड सुसाइड खेल के दिखाएंगे। ये जनरेशन आजकल की। सही बात है, आपकी जनरेशन में तो जैसे पापा सारे महाराणा प्रताप बसते थे ना जी। क्या जनरेशन बसते थे और सारे के सारे हल्दी घाटी जीत के लाते थे। तुमसे हल्दी की गांठ तो जीती नहीं जाएगी। ढंग की नौकरी ढूंढ नहीं पा रहे हो, बात बड़ी बड़ी। क्या मतलब ढंग की नौकरी? मैं क्या बैल चराने जाता हूँ पापा रोज? कितनी सैलरी तुम्हारी? 13,000। क्या करूँ इसका, शहद लगा के चाटूं? एजुकेशन लोन जो लिया था उसकी EMI कितनी चुका पा रहे हो इससे? बात करते हैं। GDP ना 3.8 पे पहुंच चुकी है। मैं अकेला नहीं हूं जिसके पास ढंग की नौकरी नहीं है। मैं कह रहा हूं एक बार मेरा स्टार्टअप शुरू करा दीजिए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं मतलब क्या है? अरे भाई बकरी तो पाली नहीं जा रही है और हाथी पालने की बात कर रहे हो। देखो शर्मा जी के बेटे को देखो। हां शर्मा जी है? और गजब का पैकेज है उसका। तो पापा शर्मा जी के बेटे को ही गोद ले लो ना, वैसे भी उसकी मम्मी को ये वरीब नजरों से देखते हो। नाश्ता तो कर लेने दो बेचारे को, क्या लेके बैठ गए सुबह सुबह। नहीं बढ़िया है, ये नाश्ता करता रहे, दुनिया चांद पे जाती रहे, बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं करता नाश्ता। खुश है? तू भी किन की बातों का बुरा मान, आराम से जा ऑफिस। ये जाते जाते ये खा ले, ठीक है? अरे सेब क्या, वो ड्रॉअर में लॉकर की चाबी है, वो भी दे दो। हाँ वो भी दे दी। यस क्या करे? ये देख, अरे? ये मैंने तेरी बहू के लिए बनवाया, जाते जाते इसे लॉकर में रख देना। मम्मी मेरे पास नौकरी तो है नहीं अच्छी, आप शादी और करा दो मेरी। वैसे ये स्कीम ना पापा के लिए सही है ना पापा? एक काम करता हूँ, शादी कर लेता हूँ, खूब सारा दहेज ले लेंगे, उससे सारा लोन उतार देंगे। देखो देखो किसी चमक आ रही है चेहरे। चलो बाय मामा। वैसे बात तो ठीक कर रहा है, आज से रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। अपना चैनल देखिए। हाँ देखेंगे अपना चैनल, कम से कम TV तो हमारा है। जो मर्जी है वो चैनल देखूंगा मैं। बताया जा रहा है कि एक जवान बेटे ने बाप की गला दबाकर हत्या कर दी। गुरुजी इसी हफ्ते ना प्रमोशन है ऑफिस में, प्लीज कुछ देखो ना। कोई भी नया कार्य सुबह ठीक 8 बजे ही शुरू करो, सब सफलता मिलेगी। गुरुजी लेना पड़ेगा मेरे को, आई एम रियली सॉरी। हाँ वेब्स बोलो। कहाँ? ऑफिस आ रहा हूँ ना वेब्स। आप बताओ ना, तुम मिलते हुए जाओ। अभी नहीं आ सकता, I'm on my way. पीला कपड़ा पहनना शुरू करो, ग्रह शांत होंगे। पर पिछली बार तो आपने नीला बोला था ना। नीला? मैंने कब कहा था? अरे तुमसे नहीं बोल रहा बाबा। समीर सुनो मेरी बात, तुम आ रहे हो या नहीं? Babe, how can I come यार? ठीक है बाय, फोन मत करना तुम। अरे यार तुम नाराज क्यों हो रही हो इसमें? ठीक है I'll figure out something, I'll come, okay? हाँ बताओ। तुम बताओ क्या करना है? क्या करना है? शादी करनी है ना। हाँ तो करेंगे शादी। अब देखो मैंने तो घर वालों से भी बगावत कर ली, तो मैं बगावत नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो घर आके मेरा हाथ मांगना पड़ेगा।
मेरे डैड ने ऑलरेडी लड़के देखने शुरू कर दिए हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई पायलट। अरे मल्टीनेशनल कंपनी का जोनल हेड कोई छोटी चीज है क्या? इसी वीक मेरा प्रमोशन है, फिर तुम्हारे डैड को भी बताऊंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा ना, और फिर तुम कहो तो घोड़े घोड़े पे आ जाऊंगा। समीर, जिंदगी शाहरुख खान की फिल्मों की तरह नहीं होती है। एनीवे, मैं आज रात को डिनर पे जा रही हूँ उनके साथ। तुम्हें आना है आज? हाँ, मैं उनसे मिलाऊंगी। लेकिन बेब्स, बात ऐसी है कि हाफ डे पे ना प्रमोशन नहीं। कितने बजे आना है? 8 बजे ग्रैंड पैलेस, 7:30 बजे पहुंच जाए। क्या सर्चिंग चल रही है भाई? चल छोड़, आजा दिल चला के आते। आ भाई ब्रूसली, चाय पिला। थैंक यू। और इजे? साले चाय तो कभी गरम पिला दिया कर। पहले ही जले भुने खड़े हो, अब चाय भी गरम पिलाऊं? चल। यार मेरा स्टार्टअप शुरू हो जाए बस एक बार यार। तो कंपनी के क्लाइंट से क्यों नहीं बात करता? अरे तू पागल है क्या गौतम? एथिकली कितनी रॉन्ग चीज है यार ये। अपनी कंपनी के क्लाइंट चुराऊंगा साले, नरक में जगह नहीं मिलेगी मुझे। अबे तू अभी कौन सा स्वर्ग में बैठा है? नहीं यार, चल मैं भेजता हूं तेरे पास क्लाइंट के डिटेल्स। अबे हिटलर, अरे सिगरेट फेंक। अरे सिगरेट फेंक। हाय गाइस, क्या चल रहा है? सॉरी सॉरी, क्यों आ जाए? आजकल कम दिख रहे हो ऑफिस में। नहीं सर, मैं तो यही हूँ सर। I'll see you guys upstairs. Yes sir. Yeah. क्या बे? सिगरेट क्यों नहीं फेंक रहा था तू? फेंक तो दी। अबे पहले क्यों नहीं फेंकी? अबे उसे भी तो पता चलना चाहिए कि हम उसकी इज्जत करते हैं। तूने पहले फेंक दी, उसे घंटा पता चला। आदमी अतरंगी है तू बचपन से। सुन यार, मेरी ना एक क्लाइंट से मीटिंग है, मुझे हाफ डे मारना है। आज फिर डैडी का बहाना? देख अब अगर मैं जीनियस हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जिस काम में तुम लोग 8 घंटे लेते हो, मैं 4 घंटे लेता हूँ। अबे तेरे बाप की बीमारी ज्यादा लंबी नहीं हो गई? उस दिन चित्रा पूछ रही थी कि अजय के बाप को एड्स है क्या। चित्रा को बोल अपने बाप को संभाले, ठीक है? तब तक तू ये संभाल, मैं निकलता हूँ। बाय। So what I hope to do is to involve as many small-scale workers as possible. So presenting you with the Bornicle Mechanical Born to Bring a Change. That's my presentation, guys. What do you think about it? Your plan is good. Thank you. But setup ka initial investment to tumhe hi karna padega. भाव, एक बार मैं आपसे मिला था, आपने बोला था कि कभी भी ऐसा अपना खुद का शुरू करना है काम वाम, तो कुछ हाँ। पैसा वैसा का जरूरत होगा तो बताना। बोला था ना मैंने? आपने बोला। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ तो उसी का भाव, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, सब सेट है। स्टार्टअप क्या है? बिजनेस भाव, खुद का बिजनेस। हाँ। कंसल्टेंसी का है भाव। तो उसके लिए भाव बस एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए 20 लाख का, जो कि क्लाइंट से बात हो गया भाव, वो फर्स्ट मंथ के बाद ही सारा रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, 20 लाख? 20 लाख बस इतना ही चल जाएगा? खड़ा क्यों? बैठ बैठ बैठ। थैंक यू, थैंक यू। अरे हो जाएगा, तू टेंशन ही मत ले। थैंक यू भाऊ। अरे होता ही कितना ही है 20 लाख, क्या बोलता है जिगरे? हाँ भाऊ। अरे अपने भाऊ एक साइड का भी जेब झटकेंगे ना, वैसे फर से नोट निकल आएंगे। अखे मुंबई में भाऊ का वर्ड है अपने। हाँ नहीं है ना, बिल्कुल है कि नहीं? माइला तुझे कात्या, हाथ चलाने का पैसा दे रहा हूँ फोकट के नहीं। ठीक है दादा। हाँ ठीक है दादा, ठीक है दादा। तू क्या बोल रहा था? हाँ भाऊ, वो स्टार्टअप का बोल रहा था, वही बिजनेस का 20 लाख का। अरे बोलो ना तुला, अभी तू उसकी चिंता ही छोड़ दे। अगले हफ्ते मेरे से 20 लाख लेके जाने का, शर्माने का नहीं, लेकिन आप ही नहीं, पहले बापा का मंडे, फिर तेरा प्रसाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तू भी क्या याद रखेगा, इस बार अपने बापा का मंडल है ना, अखा मुंबई में एक नंबर आना चाहिए। नहीं नहीं आएगा ना भाऊ, बिल्कुल आएगा। अरे ऐसे थोड़ी आएगा, तुम्हें भी हमारी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल भाव, करेगा ना? हाँ बिल्कुल। क्या ऐसे ही पैसे लेके जाएगा? तू फिर खड़ा क्यों, काम पे लग जा। चल 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 जा, आज से तू भी मेरा कार्यकर्ता। हां मैं कम। यस, ओह कम इन, कम इन समीर। कम 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 समीर। अच्छा सुनो, मैं ये प्रियंका को कुछ फाइल्स दे रहा हूँ, थोड़ी इसकी मदद कर देना।
और रात को थोड़ा लेट हो जाए तो रुक जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी ऑफिस में सभी को तुम्हारी मदद की जरूरत होती है भाई। I just hope I get what I deserve, sir. You deserve the best, Samir. What, sir? Girlfriend? हाँ, actually आज शाम में मिलने जाना था, मगर ये काम है तुम्हारा। यार शिल्पा फिर नाराज हो गई यार मेरे से। एक तरकीब है मेरे पास, पता है? शिल्पा फिर तुझसे कभी नाराज नहीं होगी। क्या बात है? छोड़ दे शिल्पा। कहा ऑफिस के लिए भाऊ, उसका नाम थोड़ा सा टोकन मनी देना है। मैं तुम्हारे ऊपर 20 लाख रुपए लगा रहा हूँ और तू टोकन का इंतजाम नहीं कर सकता? नहीं 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 भाऊ, वो एक्चुअली क्या है, वो भी ना टोकन मनी भी 1.5 लाख रुपए है, तो मेरे पास पड़ा नहीं है। क्या लेना, एक हफ्ते की तो बात है। अरे पगले, तू मेरे बच्चे जैसा, बच्चे जैसा कि तू बच्चा ही है मेरा। अरे साउंड चेक कर, पैसे थोड़ी भागने वाले, उनको क्या पैर लगे हुए? साउंड चेक कर। शिल्पा। हाय समीर। यार तुम तो फोन ही नहीं उठा रही हो। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम डैड से मिलने आ रहे हो या नहीं? बोलो कब मिलना है। फिर दिल्ली आ जाओ। मैं यहाँ अपनी एक कजन की वेडिंग में आई। दिल्ली नहीं आना है? नहीं नहीं, आ जाऊंगा। एड्रेस सेंड कर रही हूँ। यार दिल्ली जाना पड़ रहा है। दिल्ली क्यों?
शिल्पा ने अल्टीमेटम ही दे दिया इस बार, बोली इस बार डैड से नहीं मिलोगे तो। ओहो, तू चल साथ। हाँ दिल्ली? नहीं यार, देखना ये पंडाल और ऑफिस के बीच में भाग भाग के पागल हो रहा हूँ यार। दिल्ली कहाँ? तेरा ये भाव पैसे देगा? यार देगा यार, देना तो चाहिए। देख ये मालदार पार्टी है वैसे। हाँ अभी जो दही हांडी हुई थी उसमें 15 लाख की हांडी रखी थी यार। पर बैकअप रखियो कोई, ऐसे बोल रहा हूँ रखियो बैकअप। 2 लीटर सरसों तेल। हाँ हाँ लोबान। हाँ पंडित। अरे यार पंडित तो खुद का ले आओ यार। और उलझे हुए राजा करता हूँ। क्या बना तेरे स्टार्टअप का? कुछ नहीं यार, लगा हुआ बस बुरी तरीके से, कुछ हो ही नहीं रहा है यार। काश सरकारी कोई ऐसी स्कीम चला दे जिससे शॉर्टकट में पैसे कमाए जाए। देख सरकार का तो मालूम नहीं, लेकिन एक बंदा है, तेरे कुछ काम आ जाए तो तेरा बैकअप का जुगाड़ हो जाएगा। बैकअप मतलब कौन है? बिल्लू भाई है, लेकिन दिल्ली में रहता है। क्या आदमी है अजय, महाकसम। अभी मेरे अंकल को पैसों की जरूरत थी, सब जगह छान मारा, कोई इंतजाम नहीं कर पाया। यह आदमी ने एक दिन में जुगाड़ कर दिए। बहुत ऊंची पहुंचे। अरे सुन, मैं कह रहा था अब तुझे कोई मिला साथ दिल्ली जाने के लिए? ढूंढ तोड़ रहा हूँ किसी को, तेरे से ही पूछा था। अच्छा ठीक है, चल फिर मैं आता हूँ। और तेरा पंडाल? बे पंडाल होता रहेगा यार, दोस्ती भी कोई चीज है कि नहीं है? तू बस टिकट्स का देख ले। चल ठीक है, चल मैं बताता हूँ तुझे। ठीक, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा, काम को भी और बॉस को भी। थैंक्स यार। और सुन, अगर बिल्लू भाई लौटते समय मेरे लिए कुछ दे तो ले आना। बिल्लू भाई? हाँ दिवाकर बाबू, आपके आशीर्वाद में तो जी रहे हैं। आपको पता है आप हमारे लिए कितने लक्की हो। क्या ये छोटी बात कर रहे हो आप, 30 लाख? मैं 30 लाख रुपए भिजवा रहा हूँ। अरे यार इस बार टाइम से भेजियो। राम राम। हाँ भाई। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अजय है, गौतम से बात हुई थी सर, वो कह रहा था पैसों का जुगाड़ करवा देते हैं। सर खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, छोटी सी रकम है 20 लाख की, अगर आप करवा देते तो। ले लो भाई, गौतम अपना बंदा। ले लूँ सर? ले लूँ सर, थैंक यू सो मच। क्या फॉर्मेलिटीज हैं यहाँ से? मेरे पास ना कुछ प्लान्स हैं। अच्छा क्या प्लान्स हैं सर ये? देखो भाई, पहला प्लान है मेरा शॉर्टकट प्लान। ओके ठीक है, इसमें आपको डकैती मारनी है, लूटपाट मचानी है, इसमें आप बैंक लूट लो, कंपनी लूट लो, ATM उखाड़ लो पूरा। हाँ, और पर डकैती जो है इसमें 15% कम हो जाएगा जो भी रकम आपने ली है, और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं। हाँ सर अच्छा लग रहा है सुनने में, इट्स नाइस। उसमें टाइम बस लग जाएगा। वाइट कट, वाइट कट प्लान, डायरेक्ट प्लान है, बिल्कुल सीधा मर्डर सर, सीधा बस भाई डायरेक्ट खत्म। अपने शहर छोड़ दो, आपको 3 रातों के लिए गोवा भेज देंगे 5-स्टार प्रॉपर्टी में, वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। आराम करो, जारी शुरू पियो, मुर्गी शुरू पाड़ो। ये कॉम्प्लीमेंट्री है साहब? कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ। हम तो धन हो गए आपके ये सारे प्लान सुन के, है ना? व्हाट अ क्लैरिटी ही हैज। तो ये वाला सही है? हाँ सर, पता नहीं क्यों मुश्किल सा लग रहा है ये सब कुछ कर पाना। कट टू कट प्लान भी है मेरे पास। अच्छा कट टू कट प्लान, वेरी सिंपल। एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है, बस सिंपल है। डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, ठीक है। क्या सप्लाई है सर? लौंडिया। लौंडिया ना, महकती हुई चहकती हुई लौंडिया उठानी है, दुबई भिजवा देंगे, बहुत डिमांड है वहाँ पर, बहुत डिमांड। क्या कहते हैं? नहीं सर, इतने ऑप्शंस मिल गए हैं कि एकदम मैं कंफ्यूज सा हो गया हूँ। अभी के लिए एक पैकेट ले लेते हैं। ओ भाई, एक है मेरे पास क्यूट कट प्लान। I'm liking the sound of this. सर ये कुछ, ये प्लीज बताइए इसके बारे में। भाई कुछ नहीं करना इसके अंदर, अमीर बाप की जो है ना क्यूट बेटियों को पटाओ। क्यूट से होटल का अरेंजमेंट हम करेंगे, क्यूट कैमरा का जो एंगल होगा उसमें क्यूट क्यूट वीडियो बनाओ। क्या कहते हो? एक ही वीडियो में सारा कर्जा माफ। नो नहीं सर, सर देयर इज समथिंग मॉरली रॉन्ग अबाउट दिस। ओके
थैंक यू जी सर हम पैकेट लेंगे एंड विल टेक योर लीव ओके भाई ये लो जी शिरा जी जी भाई जी क्या हिसाब बनाएंगे भाई जी 14 मिनट 14 मिनट के मिनट के 1000 रुपये 19,000 दो चाय 4,000 19,900 रुपये निकालो हम निकाले और कौन निकालेगा सर हमने तो चाय को हाथ तक नहीं लगाया भाई धरी थी चाय तूने नहीं पी अब पी ले अभी तेरा ही माल है बिस्कुट भी खाओ नहीं नहीं हमें नहीं खाना सर बिस्किट अगर गिट्टे तोड़वाने हैं तो बोल दो सड़क बंद करके अंदर कोटावा छा खाना है तो बोल दो पैसे दे दे शिरा पैसे दे दे नहीं सर डर डर लग रहा पैसे दे दे हेलो शिल्पा ने दी थी यार वो अंगूठी मुझे और ये था तेरा बैकअप सही बोल रहा है यार इससे अच्छा तो अपना भाऊ ही है यार देर सवेर पैसे दे रहा है दे तो रहा है मर्डर तो नहीं करा रहा लेता हूँ उस गौतम को साले को मैं जाके उसने वो क्या दिया तेरे को पुड़ियों में चरस गांजा पता नहीं क्या होगा नहीं नहीं वो कोकेन है हाँ तो भाई फेंको इसे ये जेबों में नहीं रखते चीजें और वो क्यूट कट पे बड़े लुक्स दे रहा था तुम मुझे अरे यार मुझे लगा तेरे पास क्यूट भी है कट भी है अच्छा तो कट मेरा ही होगा ऑटो तो यही लग रहा है अब 200 रुपये कैसे हो गए यार दिल्ली के ऑटो वाले सब चोर हो अरे नौजवान सुनो यार हमारे पास जरा चेंज नहीं है ऑटो वाले को दे दो मैं अंदर से करवा दूँ हाँ शाबाश क्या बात है बेटा शिल्पा कहाँ मिलेंगे अब शिल्पा दीदी से मिल आए हो हाँ बेटे कहाँ मिलेंगे शिल्पा दीदी आपकी भी दीदी लगती है अरे नहीं 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 बेटे इनकी तो डार्लिंग लगती है और ये तुम्हारे जीजू लगते हैं ये भी जीजू दूसरे जीजू भी आ गए दूसरे जीजू भी आ गए दूसरे जीजू यानी पहले भी कोई आ चुका है दोस्त सुनो बेटा आप इन्हें क्यों जीजू बोल रहे हो हम आपको पसंद नहीं आए क्या एक्चुअली हमने उसे बोला था आज उसकी दीदी को जीजू देखने आने वाले हैं हमें क्या पता था हर आने वाले को ये जीजू बुलाएगा नहीं मम्मा इन्होंने ही बोला था नहीं बेटा हमने तो बोला था हम आपकी दीदी के फ्रेंड्स हैं याद है हाँ वैसे भी आजकल अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है yeah. बस ऐसे ही मौके हैं जहाँ उनसे मुलाकात हो सकती है so true. क्यों बेटा कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं जी डैड नो नो डैड सर आई विल मेक अ मूव ठीक है फिर शिल्पा रजत को सी ऑफ कर लो वैसे भी तुम इनके साथ प्राइवेट में बात करना चाह रही थी ओके बेटा प्लेजर टू मीट यू सर थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू कैप्टन स्वीट बॉय प्लीज सिट थैंक यू सर बैठो वुड यू लाइक अ ड्रिंक नो थैंक्स सर सर एक्चुअली समीर तो नहीं पीता आई कैन हैव वन श्योर सर आई विल हेल्प मायसेल्फ हाँ सर तो कौन थे लोग जो मिलने आए थे कैप्टन रजत कैप्टन रजत और वो शिल्पा को मिलने नहीं आया था उसे देखने आया था एक्चुअली सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी बोलो सर शिल्पा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम आपस में शादी करना चाहते हैं आपस में हाँ सर तुम चाहते हो वो तो ठीक है वो तो बात समझ में आ गई क्योंकि तुम क्यों ना चाहोगे शिल्पा पढ़ी लिखी है खूबसूरत है और इस देश के लीडिंग एग्री कमोडिटीज एक्सपोर्टर की इकलौती बेटी है नहीं सर ऐसा नहीं है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं प्यार तुम करते क्या हो सर सिवेनियर्स करके एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हाँ शिल्पा ने कहा था कि तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जोनल हेड हो नहीं सर एक्चुअली 2 दिन बाद मेरा प्रमोशन ड्यू है तो फिर अभी यहाँ क्या था 2 दिन बाद
वो देखो शिल्पा आ गई, कितनी खुश लग रही है। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं बेटा, ये जाने के लिए कह रहा और मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों समीर? बेटा तुम अपने दोस्त को सी ऑफ कर लो, मैं अंदर जा रहा हूं। इट्स नाइस मीटिंग यू। बड़ा नाइस एंड अ काइंड मैन योर फादर। पापा से कुछ बात हुई क्या? टाइम है तुम्हारे पास सुनने का? तो किसी और को भी सी ऑफ करने जाना है। गाइस मैं I'll just go out for a quick smoke. The best talk. समीर तू समझने की कोशिश करो, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मैं लड़की हूँ, I have to balance out things. हाँ मैं भी balance out ही कर रहा था, इसलिए मैं तुमको कह रहा था कि थोड़ा रुक जाओ, मेरा promotion हो जाने दो, फिर मिल लूँगा तुम्हारे dad से। मगर तुम्हें लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ आऊँगा ताकि तुम्हारे dad को जवाब दे सकूँ। हाँ तब तक चाहो तो तुम रजत के साथ घूमने का प्लान बना सकती हो, मगर दो दिन रुक जाओ, दो दिन तक उसे हाँ मत बोलना, मैं वापस आऊँगा पक्का। ओहो येलो कलर की शर्ट, गुरी ने बोला ना ये कलर करेक्ट। प्रमोशन अनाउंस होने आज मिठाई तैयार रखियो। Fingers crossed, yaar. All set. All the best. आ गया तू? वाले क्या मंगाया था तूने बिल्लू भाई से? काहे बता ना मुझे। बता तू पहले ये बता, अगर मैं रास्ते में पकड़ा जाता तो? अबे पकड़ा तो नहीं गया ना, और ये बता कौन सा प्लान अच्छा लगा बिल्लू भाई का? अरे कौन से कीचड़ में फंसा रहा था मैं? पैसों के लिए मर्डर करूंगा मैं? नहीं तो बोलता कि शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता हूं। शॉर्टकट से मैं कुछ पुलिस के पास जाऊं? दोस्तों मैं तेरा यार ऐसा करेंगे सर, भाई साहब ने आपको बुलाया। बुलाया सो गुड टू सी, मिलता हूं। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कम इन कम इन कम इन। आरंट यू अर्ली टुडे सर? ओ हाँ, योर डैड इज नॉट वेल। अब कैसे हैं तुम्हारे डैड? वेल ही इज डूइंग बेटर सर, इनफैक्ट अब तो सुबह जॉगिंग पे भी जाना शुरू कर दिया। और तुमने कितना अपना स्टार्टअप इस कंपनी में जमाना शुरू कर दिया है? सॉरी आई डिडंट गेट। अपने स्टार्टअप के लिए कितने क्लाइंट्स तोड़े तुमने हमारे कंपनी से? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई। शट अप। अब सिर्फ तुम मेरी बात सुनोगे। गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। Get off from here. Sir, please मेरी बात सुनिए सर। Enough. जिस कंपनी का खाते हो उसी में छेद करते हो? Thank God मुझे तुम्हारी सारी फाइल्स मिल गई थी, वो भी वक्त पर, वरना तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुमने। Get off from here. इस कंपनी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। Out. Now. तूने किया ना ऐसा? क्या क्लाइंट लिस्ट मैंने मांगी थी या तूने दी थी? मैंने कहा दी थी? हाय एवरीवन। हेलो
हेलो, मुझे मालूम है कि आप सभी को आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सबने अपना अपना रिजल्ट बेस्ट किया है, पर जिसका प्रमोशन हुआ है हमारी कंपनी के उस नए जोनल हेड का नाम है, गेस कीजिए क्या नाम है। सोचिए सोचिए। चलिए मैं ही बताता हूं, उसका नाम है प्रियंका खुराना। नाम है प्रियंका खुराना। थोड़ा सा। समीर, अंदर आने से पहले परमिशन ली जाती है। दोबारा बोल। अंदर आने से पहले परमिशन ली जाती है। तूने ली थी परमिशन मेरे से ओवर टाइम कराने से पहले। इन टाइम पंच कराते हो, टाइम कौन पंच करेगा तेरा बाप? माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज पे मत जा, मेरी बॉडी लैंग्वेज खराब हो रही है। कमर टूट जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद 4 साल वहां घिसना पड़ता है। अनगिनत किताबें, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थीटा पीटा कर मुश्किल से हम इंजीनियर बनते हैं, और तुम हमसे मार्केटिंग कराते हो, प्रोडक्ट बिकवाते हो। तेरे टेंडर भरना मेरा काम नहीं है, मैंने फिर भी भरे, और तुझे ऑर्डर मैंने दिलवाए अपनी मेहनत और अकल से। दिन रात एक कर दिया, अपना घर बार भूल गया, पर्सनल प्रॉब्लम भूल गया, और तूने प्रमोशन किसको दिया? अपनी सुलौंडिया को। What the hell, समीर? ए, तुम चुप हो जाओ वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मेकअप करने लायक नहीं रहेगी। समीर, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मैं बदतमीजी? बदतमीजी? तू लड्डू खा, तेरे को लड्डू खाना है ना, बदतमीजी? This is too much. Too much? नहीं, मैं अभी तेरी मच मच कर दूंगा। Too much? मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी कोई माँ बीमार पड़ी है गाँव में। मुझे प्रमोशन चाहिए था क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं, और ये तू अच्छे से जानता है, और तू भी जानती है। Get out. इसी वक्त निकल जा ऑफिस से। जैसे तूने इसको प्रमोशन दिया ना, तू भी ऐसे ही चाट चाट के इस कुर्सी पे बैठा है। तू नहीं निकाल रहा है मुझे, मैं छोड़ रहा हूं तेरी नौकरी। ये समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे को? और आवाज आवाज मत निकल। Get out. Get out. Get out. चलेगा साला। Don't touch me. तू चुप होगा? नजरें नीचे, नजरें नीचे। वापस आना नहीं चाहते। नमस्कार भाऊ, मैं क्या बोल रहा था, अभी ये पंडाल का काम तो पूरा हो गया ना। हाँ। वो आपसे जो पैसे की बात हुई थी। अरे हाँ, तुम्हारे पैसे ना, एक मिनट, तुम्हारे पैसे ये तुम्हारे पैसे। ये क्या है भाऊ? 300 रुपये पर डे के हिसाब से 7 दिन में 1 दिन तेरा खाड़ा है। नहीं 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 भाऊ, मैं इन पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसों की बात हुई 30 लाख भाऊ, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी इस साल बप्पा के मंडल में बहुत खर्चा होगा, अगले साल देखे। ए पेदरू, जोरा दांत चलाओ ना, खाना नहीं खाया तूने? भाऊ मैंने बहुत भरोसा किया आप पे भाऊ, मैंने 1.5 लाख का टोकन दे दिया ऑफिस के लिए भाऊ, नौकरी छोड़ दी आपके भरोसे पे। अब बोलेगा मेरे पर भरोसा रख के ही पैदा हुआ था तू? जा निकल, बहुत काम है मुझे। ए, वो पंडाल वाले को फोन कर, चल जल्दी बुला उसको। लगे
क्या? ये ठीक नहीं है भाऊ। आंखें देखा इधर, इधर ही विसर्जन कर दूंगा तेरा खड़े खड़े विदाउट वाटर, समझा ना? ले चिकने लेगा इसको, थोड़ा सा आसरा कह दिया तो अंदर ही घुस रहा है तू। कभी खुद के हाथों से पैसा कमाया तूने? ये जांगे टूट जाती है जांगे, समझे? चल निकल, ए निकल इसको, चल चल निकल। तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था मेरे और समीर के साथ। सारी उम्मीदें सारे सपने उस एक दिन में बिखर गए थे। देखिए कि बरातियों का जो स्वागत है पान पराग से हो। लीजिए अजय भी आ गया, आओ अजय, आजा बेटा चेयर ले ले। बेटा अजय हाँ ये देखो बेटा राधिका। राधिका नहीं जी, गीतिका। ओह अच्छा गीतिका, ओ नाम ना याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा ये मेरा बेटा है, 12th में है, इंजीनियरिंग करना चाहता है। ओहो आई एम सो सॉरी। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये भी इंजीनियर है। क्या क्या पूछना है? कुछ पूछना नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता है चीज़ों के बारे में, क्या पूछोगे? क्या हुआ क्या? कैसी बातें कर रहा हूँ अजय? कुछ नहीं, कैसी बातें कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। सर शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और किस्मत से नाकारा हूँ। आज मुझे मेरी इकलौती नौकरी से भी निकाल दिया गया क्योंकि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करने का प्लानिंग कर रहा था। पकड़ा गया, अब स्टार्टअप भी नहीं है क्योंकि जो स्टार्टअप के लिए जो आदमी मुझे पैसे देने वाला था उसने एकदम बेइज्जत करके मुझे निकाल दिया। तो ना नौकरी है ना स्टार्टअप है, हाँ एक लोन है हमारे सर पे 16 लाख का, एजुकेशनल लोन है जो हम चुका नहीं पा रहे। उसकी वजह से मेरे पिताजी मुझे बहुत ताने मार, मेरे पापा इसीलिए मेरी शादी कराना चाहते हैं कि दहेज के पैसों से लोन। अच्छा मम्मी आपने वो कंगन जो दिए थे बहू के लिए, मुझे बेचने पड़े, वो टोकन अमाउंट देना था मुझे मेरे ऑफिस के लिए। तो जी मैं बिल्कुल कंगला हूं इस टाइम, एकदम कंगला। देखिए ये सारी बातें सुन के आप फिर भी इसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और अपनी बेटी को मेरी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो मुझे आपके इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं डाउट था। अच्छा बस रहने दीजिए, क्या गलत कहा इसने? अच्छा है बल्कि सच बोल दिया, धोखा नहीं दिया। आप तो शायद हमें धोखे में रखकर दहेज भी ले लेते। चलो कहां ले आए आप भी हमें यहां रिश्ता जोड़ने। आ जाइए जाइए। बैंडी बेटा, अरे अरे ये, अरे ये अपनी लड़की भूल गए यहां पे, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, इधर रात को कैसे जाएगी अकेली? आंटी मैं आ रहा हूं। उठ जा, ये दरवाजा है, निकल जा घर से, जा हमेशा हमेशा के लिए जा। दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे, जा। बेइज्जती कर ली मेरी हैं? तंग करता रहा जिंदगी भर मुझे, आज परायों के सामने बेइज्जती कर दी उनसे मिलके, दहेज लेने वाला दरिंदा बना दिया मुझे, यही कसर रह गई थी ना, क्यों आया था यहाँ पर इस बार? अरे मर जाता कहीं के डूब मरता के ट्रेन के नीचे आ जाता, बीच में नहीं पड़ोगी? नहीं मैं कह रहा हूँ दोनों मिलके इस घर में ऐश करो, मैं चला जाता हूँ घर छोड़ के, मरा मुंह देखना मेरा।
खत्म हो गया। साला सब खत्म हो गया। एक झटके में सारी दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? है कोई? साले सब कैपिटलिस्ट है यार यहाँ पे। साले सब जिसकी जेब गरम है ना उसके भी आगे पीछे घूमते हैं साले। जेब गरम करने के लिए तो इतनी मेहनत कितनी मेहनत की है यार। और यार मैं तो जिस लड़की से प्यार करता हूँ मैं तो उसके लिए लायक नहीं बन पाया। सब वर्थलेस है यार, लूजर्स हैं यार सब, लूजर्स हैं। मैंने तो अपनी माँ से वादा किया था, वादा किया था कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको सुख दूंगा, आपका ध्यान रखूंगा। क्या ध्यान रखूंगा यार, मैं साला अपने खुद का नहीं ध्यान रख पाया यार। और सही तो कहता है यार मेरा बाप, नकार हूं मैं साला, हर काम में तो नकार हूं यार मैं। बाप की बेइज्जती की यार, मां का दिल दुखा। मर जाते हैं यार सभी। मर जाते हैं। तेरे को पता है मैं खुद सोच रहा था इस बारे में, लेकिन अभी तू साथ है ना तो मेरी हिम्मत बंधी रहेगी। तू सही कह रहा है यार, मर जाते हैं। मर जाते हैं। कूद ना पाओगे। अरे मुड़ो मत, कंसंट्रेशन टूट जाएगा यार। देखो अगली ट्रेन आने वाली, वैसे ये भी निकल जाएगी जैसे पिछली पांच निकल गई। सुन बे, तुझे बीच में बोलने को किसने बोला? बीच में काम है तो चार मिनट दूर बैठा हूँ। बीच में बोल तो रही हो, तुम खुद क्यों नहीं कूद जाते? Well, I have rejected this idea long back. और सुनो, खुदकुशी करने के ना दो ही कारण होते हैं, एक नौकरी और दूसरी छोकरी। तुम्हारा कौन सा वाला है? सुन बे वो सस्ते नवाज, तुझे क्या है बे? मुझे क्या है, आइडिया दे रहा हूँ। बहुत सालों पहले ना मैं भी नौकरी तलाश करने आया था, नहीं मिली तो सोचा यहीं कूद के। मैंने फिर अपना बिजनेस खोला, 5 से 6 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर है, यू नो 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ, और वो भी बिना GST के। चलो अब हम निकल रहे हैं, हमारे धंधे का टाइम हो गया। अल्लाह, उस भिखारी की बात सुन के बचा कुचा नशा भी उतर गया, और जब नशा उतरा तो हम ब्रिज से उतर गए। उस वक्त हमारे दिमाग में जो चल रहा था ना उसे सोच के अब हंसी आती है। यार मैं सोच रहा था क्यों बिना बात का इतना हंगामा करना है। यहाँ मरेंगे, साला अखबार में फोटो छपेगी, न्यूज एंकर आएंगे, चिल्लाएंगे चैनलों पे, क्यों करना है यार ये सब? मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते हैं, कहीं दूर चलते हैं, आराम से सुकून में सुनसान में मरें, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा भाग गए तुम। करेक्ट, अच्छा प्लान है। और जब कल मर ही रहे हैं तो क्यों ना 8 बजे मरे सुबह? लेकिन 8 ही क्यों यार? वो गुरु जी कह रहे थे कि इस हफ्ते जो भी नया काम शुरू करो सुबह 8 बजे शुरू करो, अच्छा मुहूर्त है। अबे कैसी बातें कर रहा है, निकल अपने गुरुजी की धोती से बाहर यार, तेरी शादी थोड़ी ना हो रही है शिल्पा से जो मुहूर्त के पीछे पड़ा हुआ है। शादी की बात नहीं है यार,
एक बार जरा सोचना, अच्छे मुहूर्त में मरेंगे तो हो सकता है अगले जन्म में किसी टाटा बिरला के घर में पैदा हो जाएं, वरना यही फटीचर जिंदगी मिलेगी यार दोबारा। तो तू सही कह रहा है। कहाँ चले? तो अब हमारे पास था मरने का एक मुहूर्त, एक जहर की पुड़िया और एक दिशाहीन सफर जो सुबह 8 बजे जाकर खत्म हो जाना था। लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि आगे हमारे साथ जो होने वाला था वो हमें हिला कर रख देगा। This is my seat. Okay. Out. क्या सोच रहा है? चलो खेरिए। अरे चलो यार, मियाँ आखिरी टेम्पू है, कहाँ चल रहे हैं? खड़े खड़े क्या सोच रहा? अरे इतनी ठंडे पड़ रही है, सिकुड़ के छू आरा हो जाओगे, जल्दी करो मियाँ। अरे चलो चलो चलो, अरे बहुत जगह, अरे चलो चलो, अरे बाबा अभी चली गाड़ी और ये चली अपनी सवारी, बाबा बाबा अरे 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 अरे, ये भोपाल के स्टैंड बोल रहा है, इसका पेट खराब है। अरे बबन, ए बबन, अबे आज भी पैदल जा रही है? आ जा टेम्पो में बैठ जा। अरे आ जा, इससे पैसे कौन मांग रही है? आ जा आ जा आ जा आ जा, आ बैठो। अरे जगह बना जा रहा, दो दो गिरो बेटा भाई को। आ गया आखिरी रात सलामतपुर। अरे 20 रुपए निकालो मियाँ। समीर समीर, रुपए निकालो जी। पैसे तो नहीं है, जेबें कट गई कि घर से ही नंगे चले थे? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए उस्ताद जी। पहले बताना था
ये टेम्पू पानी से नहीं जल लिया, डीजल से चल लिया और दिल जल लिया है। दरअसल आपने इतनी जल्दी में बिठा लिया कि कुछ। वाह मियाँ, मैं आपसे जल्दी में कहूँ कि मर जाओ तो जल्दी में निकल लोगे हैं? अरे देख के बैठना चाहिए, शकील से तो पढ़े लिखे लग रहा जी है भी। अच्छा चलो जा जा जा, छोड़े 20 रुपये, 20 रुपये की हमारे लिए मगफिरत की दुआ कर लीजिएगा। निकलो। थैंक यू, सॉरी। पवन सोता ही रहेगा क्या, तू भी निकल ले। खाने के पैसे हैं कि भूखे ही फिर रहा हो? सुनो भाई, ये लो, कुछ खा ले। यार जिंदगी में कोई पहली बार मिला जो बिना किसी मतलब के पैसे दे गया। हाँ, मगर हमने क्यों ले लिया? अरे भाई 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 भाई, पानी है पानी है, आगे पानी है। कभी ना लेते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी मुंह लेते हैं। अरे यार, तो ये भूख से मरने की बात थोड़ी ना हुई थी। 20 रुपए हैं हमारे पास, किसी को दान कर जाते हैं। अरे हाँ, वो तेल बदल लो यार, सिक्के मगजमारी कर रहे हो बेवजह में तुम भी यार। कितने का बॉस एक प्लेट? 20 रुपए की है। 20 रुपए की एक दे दो। बंदे तो 2 लग रही हो मियाँ। हाँ लेकिन रुपये 20 ही। ये लीजिए मियाँ, 20 रुपए की दवाएं दे देना। जो मरे भूखा उसे घर में सूखा। लीजिए लीजिए, खाइए खाइए खाइए। अरे यार दिल बदलने भाई, अजीब आदमी है। ओह पार्टी तो यहीं बैठी है, उतरो। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है। इरशाद बोलो। जी भाई। अपना इरशाद साथ लिए घूमते हैं, किसी के मोहताज नहीं है।
तो अर्ज किया है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हैं लेने तीन, जाएंगे चार बनके। लेकिन भाई हम तो पांच हो गए। अबे मैथमेटिक्स मत घुसा शायरी में। वो शायरी में 19-20 तो चलता है। तो हाँ सलामतपुर आपका खैर मकदम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सबसे आगे के डब्बे में बैठे थे क्या आप? आप हमसे ही बात कर रहे हैं? और क्या मौसम गुल से कह रहा हूँ, शेर से ही आ रहे हो ना? हाँ क्यों? अब क्यों का जवाब तो अल्लाह में ये जानता है। अपन तो बस इतना जानते हैं कि शेर से आ रहे हो और घड़ी दो घड़ी के मेहमान हो। ये आपको कैसे मालूम? ओ अपन को तो ये भी पता है कि कटप्पा खाने बाहुबली को कैसे मारा। कैसे मारा? अब तुम तो हाँ अपने मेहमान हो तो खातिरदारी पूरी होगी। और पुरन इनको खिला दो चूरन और सारा हिसाब अपने खाते में लिख दो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हो क्या रहा है ये? ओखा समझने की इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। वो बलवाई कह रहा था शादी में दो लौंडे आएंगे शेर से, उनको ले आना। तो ये रे लौंडे, वो रही शादी और ये आ गए हम लेने। चलो यार ये अजीब ही आदमी है, छोड़ना अपना मुहूर्त जा रहा है। तो मुहूर्त तो हाँ शाम का सेट हो गया है, तब तक के यही फसक्का मार के बैठे रहोगे? उधर मेहंदी की रस्म शुरू हो गया, जल्दी चलो। अबे चलो नहीं तो लौंडे गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ चलो। अबे क्या चीज है यार ये, छोड़ना इसके लफड़े में। नहीं, नहीं, क्या हो रहा है ये ना, हमें कुछ और समझ रहा है। ठीक है अभी चलते हैं, वहां से कहीं इधर उधर हो जाएंगे, वरना ऐसे ही बोलता रहे यार। क्यों जबरदस्ती ये चल, वरना संभाल के उठाना। और हाँ एक बात बताएं, अपन की गाड़ी हवाई जहाज के डीजल पे चलती है, जरा सीट बेल्ट बांध लियो। और इरशाद ये लौंडे शहर से नंगे पता नहीं आ गए, सर्दी लग जाएगी, जैकेट दे देना। अरे माफ करो, जान दो, ये हमारे गांव के प्रोफेसर खां हैं, ज्यादा पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए इन्हें खुद नहीं पता कितना पढ़ लिए। अब पता नहीं पागल हैं या पागल बना रहे हैं, ये तो पता नहीं। चलो आ जाओ। और हाँ जिंदगी से बात की, कश लिया और चल दिया, जिंदगी के झूठ को छल्ला समझ लिया। अरे चाचा महफिल सजी रखी है। अरे मगर तू भी तो कुछ सुना। तो लो धमाका, रायता फैला दूंगा, संभालो इन्हें। सुसाइड का पूरा टाइम निकल गया। अब तो फिर सुसाइड की बात करे जा रहे, और यहाँ जो लोगों के चेहरों पे जो जिंदगी दिख रही है उसका कुछ नहीं। राहुल संजय नीरज चंदन अकबर आलिम अहमद सोनाली दीपा वैशाली गल्लो हाला गल्ला। साले तेरी पहले दिन से फट रही है, तेरी ब्रिज पे भी फटी थी, तेरी आज भी फट रही है मरने से। तेरे को मरना नहीं था तो मेरे को पहले बोलता ना यार। मेरी ब्रिज पे भी फट रही थी, मेरी आज भी फट रही है, तेरी नहीं फट रही ना। ये ले जहर की पुड़िया, तू खा और जा मर जा, जा मर जा ना। बात कर रहा है यार, हम क्यों मरना चाहते थे? क्योंकि शहर में ना दम घुट रहा था हमारा, वहां का जो प्रेशर था, जो भाग दौड़ थी ना तुझसे हैंडल हो रही थी ना मुझसे, तेरा प्रमोशन मेरी स्टार्टअप इसी में अटके हुए थे। और यहां देख यार, यहाँ की हवा ही अलग है। ये क्या है, ये कपड़े, ये कभी हुआ है हमारे साथ ऐसा कुछ? और इन लोगों को देख यार, इनको सालों को खाने कमाने की कोई चिंता ही नहीं है। ये कल कल की सोच के नहीं जी रहे हैं, हम साले आज की चिंता में मरे जा रहे थे। एक बार बस देख तो सही इनके चेहरों को। देख रहा हूँ इनके चेहरे भी, देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि तुझे लड़की का चेहरा दिख गया साले। धमक धमक के मटक मटक के लपक लपक के नाचे, चमक चमक के हपक हपक के उलट उलट के नाचे। मुझे ना सुकून दिख गया है, और यही वो सुकून है जो तू और मैं ना शहर में खोज रहे थे। क्योंकि ना जिंदगी को बहुत सीरियसली ले लिया हमने, और लेना नहीं था इतना सीरियसली। वाह क्या ज्ञान दे रहा है यार तू, क्या सुकून। सुकून लटक गया। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, अरे चलो रे, अरे जल्दी आ जाओ। I'm
करे बैंक वाले, बोले बोले आज आखिरी दिन है और ये यहाँ ये लाइटर रुपए नहीं लौटा पाए। असली सुसाइड क्या होती है, उस दिन अपनी आंखों से देखकर हम डर गए थे। उस किसान का दर्द, उसकी तकलीफ शायद हम समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो दारू पीकर मुहूर्त निकालकर सुसाइड करने चले थे। उस लटकती हुई लाश को देखकर हमारे अंदर कुछ चुभ गया था, कुछ अटक सा गया था। क्यों का पठान, बताओ कितनी आसान हो गई है किसान की मौत सिर्फ 10,000 के लिए। ये डाला फंदा, ये छोड़ी जमीन और ये जा वो जा। वेलकम टू कर्जापुर। Alarmingly, on an average, 8 farmers have committed suicide in the state every day in the last 4 years. And that is insured official. Number you have dialed is switched off. Please join again later. And the Central Crop Insurance Schemes, MSP Program, and also the State Health Insurance Program. You okay, beta? Yeah. क्यों नहीं लग रहा है? क्या होता तो शायद आजादी के बाद से लग ही नहीं रहा है। कितनी बार मिला चुकी हूँ, आप कुछ पता करेंगे या यूं ही बैठे रहेंगे? शहजादे सलीम को कोई फिक्र नहीं है और माँ जोदा जो हैं पैर में करंट लेके घूम रही, परेशान होने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। खाना लगाओ। अरे खाना लगाओ, तुम भी खाओ, बहुत देर हो गई है। चलो चलो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, आ जाए। सिस्टम ही जाने। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो अब गांव वालों को ये तो पता चल ही चुका था कि हम बलवाई के दोस्त तो नहीं थे, और हमने उन्हें अपनी पूरी कहानी भी बता दी थी। ये बोल रहे थे इनके हाथों से खाने की प्लेट छीन ली और तो और कुर्सी से भी उठा दिया। हुआ तो था ही। ये सही रही खां, आखिरी हिच की तरह जानू पे निकले। मौत भी मैं शायर आना चाह रहा हूँ। अबे मरने का भी कोई मुहूर्त निकलवाता है? जीने की औकात नहीं है, मरने चले फगट्टे शहंशाह। देखो मियाँ, हमारे गांव का एक उसूल है, बुलाए गए मेहमानों की तो हम खातिरदारी करते हैं और बिन बुलाए मेहमानों की डबल खातिरदारी करते हैं। तो जब तक इस गांव में हो हमारे मेहमान बन के रहो। ऐसा है हलवाई, तुम तो संभालो हलवाई, इन्हें अपन संभाल लेंगे। अरे भाई आगे का क्या प्रोग्राम है यार, खा कुछ सोचा है? सोच रहे हैं कि यहीं रुक जाएं, मतलब अगर आपकी इजाजत हो तो। सवाल ये फड़फड़ा रहा है कि करोगे क्या? कुछ भी काम कर लेंगे अपन। यहाँ देखिए, आपने कपड़े तो दे दिए हैं, तो कैसा भी काम चलेगा, कोई भी छोटा मोटा काम। कुछ भी कर लोगे हैं? काम तो कर लोगे लेकिन रहोगे कहाँ, खाओगे क्या हैं? ऐसा ख्याल दिमाग में लाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो, पप्पन खा गए दरवाजे तुम्हारे लिए खुले खड़े हैं, बस दादी को संभाल लियो। अरे गुसलखाने में टिका दे इनको, या आंगन में खोद के सुला दे। पप्पन भाई, अरे आ जाओ, कंघा कर रहे हो, जल्दी आ जाओ यार। अरे क्या मुसीबत है यार, कंघा भी नहीं करने दे। ओहे ऐसे क्या घूर रहे हो, मूछे खुद की हैं पर्सनल? शक्ल से तो कमबख्त डकैत लगते हैं, सारा माल लेके उड़ जाएंगे। तेरे पास कौन सा कारू का खजाना छिपा है जो लूट के ले जाएंगे? नोटबंदी में 500-500 रुपए के 3 नोट निकले थे इसके पास, वो भी किसी काम के नहीं, इतनी देर से निकाले। तुझे बताया तो था अपन के दोस्त थे, शेर से आए हैं। देखो खा दादी की बात का बुरा ना मानना,
क्या है ना, इसके दिमाग के कार्बोरेटर में कचरा आ गया है, इसलिए मिसिंग करती रहती है। तेरा बाप आया था रात को, कह रहा था कि अम्मा बहुत रोती है, उसे यहीं बुला लो, समझे? आपके माँ बाप कहीं बाहर रहते हैं? ओ नहीं खान, अपन के अब्बा थे किसान, कर्जे के बोझ से लद लिए, घर में भुखमरी छा गई, अपन पटरियों पे आ गए और जिंदगी ट्रेक से उतर गई। तो हाँ, ऐसे ही एक दिन अब्बा अम्मी के पास यूं ही मूड में आए और कहने लगे, डार्लिंग लेट्स हैंग टिल डेथ। वो जो पेड़ देख रहे हो ना सामने, दोनों उस पर लटक लिए और अपन दादी की गोद में टपक लिए। तो हाँ, उस दिन के बाद से दादी के एक हाथ में पानदान और दूसरे हाथ में पूरा खानदान, यानी कि अपन यानी कि पप्पन। तो चूंकि दादी थोड़ी पिंपड़ है, इसलिए थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, दिल पे मत लेना। वैसे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, मौत की तो हाँ यही तासीर होती है, महंगाई की चाबुक से जरूरतों की खाल उधड़ जाती है, और मरने में लगता ही क्या है, घंटा। अरे घंटा भर से बातें कर रहा है, इनको गाने ही सुना दे। तुझे सुनना होगा गाना, इनके नाम पे बिल फाड़ रही है, कौन सा सुनाओ? अरे तुझे तो जैसे 656 गाने आते हैं, कोई तो सुना दे। तो तेरा फेवरेट ही सुना दो डार्लिंग। हाँ सुना दे सुना दे। आसमां पे है सितारे और यहाँ पे तुम, ताली बजाओ। आसमां पे है सितारे और यहाँ पे तुम, वो यहाँ पे तुम यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों जले जा रही हो? ओ है, ऐसा क्या कर लिया कि मुंह छुपाना पड़ रहा है? अच्छा पपन भैया, ये जो दादी रात को कह रही थी, हम क्या क्या सच में डकैत लगते हैं क्या शक्ल से? अरे हाँ, दादी तो अपन को भी डकैत समझ लेती है, उसकी बातों में मत आ जाना, दिमाग की वायर खसक गई है उसकी। चलो बेटा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं सच बताए, हमारी दादी है बहुत प्यारी। एक बात बताओ, अपन का गाना कैसा लगता है? भंगनाड गाते हैं ना? नहीं बहुत बढ़िया गाते हैं। कभी बम्बई जाने का नहीं सोचा? अरे सोचा, अपन तो निकल लिए थे बम्बई, एक तरफ बंदों का समंदर, एक तरफ पानी का समंदर, और वहीं हो रहा था मदम मस्त कलंदर। और ऊपर से तुर्रा ये कि यार खा को कोई पहचान ही नहीं रहा, भाई अपन तो वहां से पिन्ना के भाग लिए। तो भाई चोरी नहीं है, मेरा दिल है, और ये जो आ गई यही है अपनी मंजिल है। भाई पप्पन खा, एक बात हजम नहीं हो रही, गांव के लौंडे कमाने शहर की तरफ भाग रहे, और ये शहर से गांव में। शहर की क्या बात कर दी किशन खां, शहर तो चिलम हुए पड़े हैं चिलम, गाड़ियों और फैक्ट्रियां धुएं के फुक्के छोड़े जा रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया, और भीड़ इतनी कि अपने खुजाओ तो दूसरे वाला कह रहा कि भाई मेरे क्यों खुजा रिया। ए किशन खां, ये लौंडे ना एकदम नीट क्लीन साफ शफाफ खुर्रम खुददार लौंडे हैं। मैंने कही भाई खाना अपन क्या खा लियो, तो लगे कहन हमारे के हाथ पैर टूट गए हैं, कमांगे खांगे। मैं कहा फिर तो एक ही आदमी हेल्प यू, एंड दैट इज यू। हाँ तो खा, क्या क्या कर सकते हो? अरे ये तो पूछो ही मत, ये तो इतने टैलेंटेड हैं कि गीले कपड़े से बिजली के नंगे तार साफ कर सकते हैं। पपन जी, सर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम है। और जोर लगाओ खां, दम थोड़ा कम लग रही है। ये शहर के हाथ हैं, नरम और नाजुक, ये काम ना उन्हें। या करारा नहीं, मुलायम हाथ लगाना पड़ेगा। यही काम दिख रहा है मुझे तुम्हारा लायक, पढ़े लिखे तो हो तुम दोनों, तो हिसाब किताब भी देख लेना है? दिन का 120 रुपया मिलेगा, भाई दिहाड़ी का यही भाव चल रहा है इधर। तो जी अपन ये रिश्ता पक्का समझे, मतलब कब से शुरू करना है? अरे रिश्ता बन गया तो अभी से शुरू कर दो। चलो गट्टा, तुम दोनों इसके साथ जाकर खेत के लिए सामान ले आओ और दुकान भी देख लेना, हम जरा भोपाल में हकीम साहब के यहाँ होके आते हैं, कल लात से पेट में एसटीडी चल रही है। एसटीडी बोल, एसटीडी बोल। अरे एसटीडी मतलब जलन, वो खट्टी डकारों वाली। एसटीडी एसटीडी हो अलग अलग है, सही है। अरे दुबी से यही है।
ये लो दुबे जी, ये सारा सामान दे दीजिए। दुबे जी ये सामान दे दो फटाफट। तेरा जहाज छूट रहा है, फटाफट बतौले बतौले। जी बाबू जी, ये ले गट्टे भैया का सामान दे दो फटाफट। अबे बंटी, सवेरे से एक ही कान के पीछे हाथ धोकर पड़ाया, दूसरे की बारी कब आएगी? मैं एक सपाटा मारे खेतान बना दूंगा तेरा, मैं फटाफट हाथ चला। ये साबु ज्यादा नहीं लग रहा? चाचा चलो लो भाई पकड़ो। 450 रुपये। हाँ कितना? MRP तो कम का, 450 कैसे हो गए? सरकार सब्सिडी देती है किसानों को, MRP से ऊपर कैसे बेच रहे हैं आप? ये को? नहीं, अभी काम पे लगे, पप्पन भाई के दोस्त हैं। दो रुपए की भीख 5 रुपए की सीख सरकार देती होगी अपने गाँव में। डिब्बे का तो यही दाम है, देना हो तो लो, ये तो सामान ही रख दो। चलो रख दे सामान, नहीं चाहिए। नहीं एक काम करते हैं ना, आप इसका पक्का बिल दे दो हमें। पक्का बिल ले लेते हैं। पक्का? इसे 8 में सेक दूं तब भी तो इसमें यही लिखा होगा। सुनिए मैं बताता हूँ, बिल पे ना एक नंबर होता है और दुकान का नाम छपा होना चाहिए, सरकार ये कहती है। करेक्ट। वो बिल निकाली। सरकार का पाठ पढ़ा गया, हम ही तो गणित सिखा रही है। जरूरत लग रही है। पैसे दो, मैं ले जा रही हूँ। किसके साथ जा रही है? सहेलियों के साथ। तुम पैसे दो ना, छोड़ो बैठे रहो, मैं खुद ही ले लेती हूँ गल्ले से। अरे सोच समझ के निकालियो। अब मैं इसकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो उस कंपनी का। अरे तुम तो वही हो ना जो बल्लू भैया की शादी में थे? जी। आई बाबू देखो जैसे कैसे शर्मा रही है, जैसे दुल्हन तो यही हो। कहीं नहीं जी। कहाँ? घर। यहाँ मेला देखने के लिए रुके हो? अच्छा मेला भी है? हाँ देखो, हमारे यहाँ का बड़ा शानदार मेला होता है, देखो। तुझे देर ना हो रही मेरे जा रही। अच्छा बाबू टाटा। क्या कर रही है? टाइम से आइयो। हाँ भाई क्या कह रही है? हम कह रहे थे जो पक्का बिल है जिसमें दे, दुकान का दे दे। कितने? 450 दे दे, बाद में बात करते हैं आराम से आके इसके बारे में। अरे यार बिल तो कम एक, एक मुझे बहुत जरूरी काम याद है। गट्टे पूरे पैसे दे। समझ रहा हूँ क्या काम याद आ रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है अभी। चलना चल, अच्छा बिल रख ले। चल डर गए। ईमान से बताओ मियां क्या खुराफात चल रही है? अरे वो दुबे जी की लड़की इशारा कर गई ना जनाब को, तो वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा ही। गुल बदन बुला गई तो जाना तो पड़ेगा ही। देखो लगा के यार। 1 2 3 check 1 2 3 check। हुट हाथ तो साहिबान कदरदान मेहरबान बानदान चुएदान इज्जतदान। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, एक ही हाथ में पत्ता पार देखिए, और खा मेरी हसीना का वार देखिए। घूमने के तेरे पास पैसे हैं और बैंक का पैसा देने में तेरी मैया मर रही है। बहू जी बच्ची चिट कर रही थी तो मैं लिया इसको। आइसक्रीम तक के पैसे नहीं मेरे को, मान आ गया रामदास काका। ये आइसक्रीम खाना चाह रही थी, मैं पैसे नहीं थे, ऐसे मेरे को मान आ गया। सुनो का ये बच्ची कोने में लेके जा। चल चल आंटी को। तेरी आंटी में क्या हाल है? ए ए ए ओ बॉस क्या कर रहे हैं आप? ये बैंक से पैसा लिया है और आप पैसा नहीं दे रही है। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मारेंगे उसे इतनी बुरी तरीके से। ओ पहलवान क्या बहुत हाथ पैर मचल रहे हैं? कायदा कानून है कि नहीं है? हमको कानून बताएगा? चल पप्पन देखो वापस चले गए।
बड़ा हिमालयी बन रहा हूँ पहले 100 मिनट नहीं लगेंगे कवर खोद के एक हफ्ते के बाद फिर लौटूंगा अगर तूने पैसा नहीं दिया तो तू जानता है पैसा कैसे निकाला जाता अरे उस्ताद माफ करो ना मामले को रफा दफा करो चलो समझ लेंगे अरे जाओ जाओ भाई समझ लेंगे जाओ गुंडे साले ठीक है भाई देखो कब लाठी बन के खुद पे चल जाए पता नहीं चलता कोई तो बचाओ अरे भैया अरे भैया बचाओ यार रुको भैया रुको जरा देखो दरवाजा नहीं खोल रहे अरे भैया अरे भैया बंद कर दरवाजा आप क्या कर रहे हो देखो तो क्या कर रही है इसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया पीछे कोई दरवाजा है पीछे का दरवाजा है इस तरफ से अजय ये फांसी लगा रहा है दरवाजा तोड़ पानी पी बस ठीक है क्या कर रही थी पागल हो गया क्या रामदास बंदा लगा के तू तो निकल लेगा पर इनका क्या होगा सोचा है तो वैसे भी इनका क्या हो रही यार पर एक मुट्ठी गेहूं देखता हूं तो मन भर सोना नजर आता खेती है नहीं फसल है नहीं अरे किस बात के किसान है हर रोज जागते तो दिन पास खड़ा हो जाता है कि आज भी रोटी नहीं मिलेगी दिन बीतते जा रहे हैं और उम्मीद छोटी होती जा रही बस एक दूसरे की शक्ल देख के जी रहे एक दीवाना खाने के लिए 100 करवटें जागनी पड़ती है लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पेट में एक दाना पड़ जाए इस कर्जे ने पेट के तुम्हें कपट के रख दिया बाबू जी क्या फायदा ऐसी जिंदगी का है क्या फायदा इसके हर हिस्से में मौत लिखी है जितना मैं थक गया हूं अब थक गया हूं मैं बाबा आप मत रो मुझे भूख नहीं लगी मैं सो जाऊंगी मरने से कोई इन पे तरस खा के खाना तो दे देगा मैं तो रोज बनता नहीं देख सकता इसे मत बोलिए आपके बगैर हम नहीं जी पाएंगे भले ही आपके साथ वो के ही क्यों ना मर जाए देखिए जनाब मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ
जब रुपया लिया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा ना। तो वापस देने से मना थोड़ी ना कर रहे हैं सर, कोई मजबूरी होगी ना कि वो नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए जनाब, हमारी भी तो कोई मजबूरी है ना, हमें ये बैंक भी तो चलाना है ना। सर, किसान सुसाइड कर रहा है, हर हफ्ते खबर आ रही है, लोग अपनी जाने दे रहे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो उनसे नहीं कह रहा ना कि सुसाइड कर ली। वो कहते रहते कि फसलें खराब हो रही हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो फिर कर्जा नहीं लेना चाहिए था ना। अब जब लिया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा। बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं कर्जा देने से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना आप उनसे इतना इनह्यूमन तरीके से बिहेव करें। अरे नहीं यार, आपको पता है आपके लोगों ने कितनी बुरी तरीके से मारा रामदास को वहाँ पे। देखिए जनाब, मैं आपसे बहुत शराफत से बात कर रहा हूँ। अरे आप शराफत से बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे आप बात? मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा और मैं तेल छिड़क के आपके बैंक में आग लगा दूंगा। आप भी तो बात समझेंगे। पजामे के अंदर ही रहो, हम भी यहाँ कोई पोतड़े पहन के नहीं खड़े। गार्ड पकड़ो इनको, बाहर निकालो। पहलवान हाथ लगा के दिखा, ऐसी जगह दबाऊंगा कि अटैक आ जाएगा। चल भी जा, चलिए निकले बाहर। निकले हाँ, जा रहे हैं जा रहे हैं। ज्यादा फन फनाओ मत, बाहर जाइए। हाँ, तमीज से बात कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं। तमीज से बात करें, बाहर जाइए। जा रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं। ज्यादा फन फनाओ मत, बना के रखा है। अब बताता हूँ गाँव वालों को कि मैं क्या। क्या बात करने आए थे यार हम यहाँ, और क्या बात हुई है? मुझे क्या बोल रहा है यार समीर, उसको देखना अभी क्या करेगा मालूम नहीं है ना। जो भी करेगा साला। अरे चल बैठे बिठा उड़त पक गई भैंस की आंख। देखिए आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंक ने हमदर्दी का बर्ताव करके हमेशा आपकी मदद की है, लेकिन आज ये दोनों और खास तौर से ये शहजादे बैंक में आकर हमको धमकी दी। अब बैंक ने तय किया है कि अगर 6 महीने के अंदर इन 55 किसानों ने अपना कर्जा ब्याज के साथ वापस नहीं किया तो बैंक आपकी जमीन पर क्लेम कर देगा। क्या मामला है? अरे किसने भेजा हमको मालूम नहीं, जो बात हुई थी हमारे बीच में हुई थी और हम लोग वहाँ बात करने गए थे, लड़ने नहीं गए थे। हम भी बात ही कर रहे हैं शहजादे साहब, बात ही कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अगर आप 1 सप्ताह में ये कर्जा वापस कर दें तो बैंक ब्याज माफ करने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, अब पिछले 6 महीने से अच्छी फसल हुई नहीं। अरे वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो जाता हूँ बस। आप बैठे 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 साहब, देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि फसल तो अच्छी हुई नहीं तो सब किसानों को नुकसान हुआ। हाँ तो बैंक अपना नुकसान करा ले, बैंक अपना नुकसान करा ले। ये है ना आपकी मदद करने के लिए, इनकी मदद लीजिए, कर्जा चुकाइए, मैं चला। बात तो सुनिए मैनेजर साहब। भाई अजय, किसने कहा था तुम दोनों को वहां जाकर लड़ने के लिए? हाँ बताओ तो। अरे किशन भाई, लड़ने नहीं गए थे, बात ही करने गए थे। और जितना सीधा दिख रहा ना उतना ही कमीना आदमी है ये। तो बोल मत, तू वही है ना मेरी दुकान पे आया था, मुझसे बहस कर लिया था। ये आदमी है ही ऐसा, मैं बता रहा हूँ, इसने बैंक मैनेजर साहब ने जरूर गाली गुप्ता की होगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। सब ठीक ठाक चल रहा था कि नई मुसीबत कहाँ से खड़ी हो गई, अब इस बला से कैसे पीछा छुड़ाएंगे? सरपंच जी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इसने अपने रिकवरी एजेंट भेजे थे और रामदास को मार रहे थे मेले में। अरे चुप कर, मार रहे थे रामदास को अपन, ये कैसे वाले जयबुरुली आया गांव में, गांव का सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने। अरे दुबे जी मैं बात कर रहा हूँ ना, क्यों भाई? देख भाई मसला तो बिगड़ गया है। अपन मियां मसला हुआ है लेकिन हम लोगों के पास 6 महीने भी तो है ना। अरे 6 महीने में क्या होगा, 6 महीने में खेती करेंगे, फसल उगाएंगे, कुछ तो होगा। खेती? अब तुझसे पूछ के खेती करेंगे? अरे खेती करना तो पहले ही कर लेते। सरपंच जी ऐसे निराश होने से तो कुछ नहीं होगा। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान है, मुझे लड़ना आता है? एक खपच्ची से बदन तेरा बड़ा फड़फड़ा रहा है, कुश्ती करवाऊं तेरी? अरे ऐसे लोग दोस्त कैसे आए गाँव में? बाहर निकाल ले। अरे दुबे अरे दुबे अरे दुबे खेती करेगा तू? तूने आज तक एक पौधे में पानी भी दिया है क्या? आज डायरेक्ट किसान? अरे तो मैं अकेले थोड़ी ना करूंगा यार खेती, सब लोग करेंगे ना। और इंसान सब कुछ सीख के पैदा होता है क्या? इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार? बहुत कुछ कर सकता है। तो एक काम करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ इस देश का, इस गाँव को गोद ले लूंगा, इसका सारा कर्जा उतार देंगे। क्या बोला आज वो सरपंच? अगर खेती से हो रहा होता तो ये लोग कब का कर्जा चुका चुके होते अपना। लौंडा के तो सही रहा है, अपनी आंखों से देखा है, बीज खाद लेने में ही हालत पतली हो जाती है। और उसको खरीदने के लिए पैसे? अरे बब्बान, डकैती डालने क्या इन दोनों ने,
अरे दादी, डकैती पड़ी नहीं है, डकैतों को दावत दे के आए हैं। क्रांति थोड़ी जल्दी कर दी, हाँ टेम से पहले। मैं कुछ बोलूं? बीज खाद का तो हो जाएगा। कैसे? मेरा बाबू गांव वालों को महंगा बेच के खूब बीज खाद बचाता है वहां से। अरे तेरा बाबू एक नंबर का कंजूस है झुमकी, देख बुरा मत मानना। उसको कहेगा कौन? दुकान की चाबी अपन के पास है, जितना चाहो निकाल लो। वाह, क्या बातें हो रही हैं यहाँ। तो अब हम चोरी करेंगे? खैर तू तो कर भी सकता है, तूने अपने घर में करी है तो यहाँ तो कर ही सकता समीर, है। तू पर्सनल हो रहा है तो यहाँ बड़ी प्रोफेशनल बातें हो रही हैं। पर्सनल ही है सब कुछ, तेरे को यहाँ पर अपना स्टार्टअप नहीं दिख रहा क्या? हम मरने आए थे यहाँ पर और अब तेरे चक्कर में सारे गांव वाले मरेंगे। मरने आए थे? कुछ नहीं, वो ऐसी बकवास। पता ना इसको, बताओ ना, हम यहाँ सुसाइड करने आए थे। सुसाइड? ठीक है, काम करते हैं। तुझे खुदकुशी करनी है ना, इस गांव में बहुत सारे कुएं हैं, किसी में भी कूद के जान दे देते हैं अपनी। अरे कुआं तो हमारे घर के पीछे भी है। अरे दादी चुप हो जा। अरे मरने का चक्कर क्या है? हाँ तो एक काम करते हैं, कुएं में कूद जाएंगे, वहां पर हमें कुबेर का खजाना मिलेगा ना, जिससे इन लोगों का कर्जा उतर जाएगा, फिर ये लोग तरक्की कर लेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे इंजीनियर बन जाएंगे और फिर वो हमारी तरह जाकर शहर में जूते चटकाएंगे। अरे क्या बोल रहा है यार तू समीर, क्या बोले जा रहा है? मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तू अपना लेके शुरू हो जाता है। और तुझे नहीं करना तो तू मत कर भाई, तू जा मैं कर लूंगा। तू अकेला नहीं है जिसको यहां पर सबके दर्द की पड़ी हुई है। अकेला कर लूंगा। और अकेला तो कर रही थी तूने जाकर वहां बैंक में बात, और यहां चौपाल पे भी, और बंबई में भी तो तू अकेला ही काम कर रहा था ना, क्या उखाड़ लिया? और तूने क्यों उखाड़ लिया? बोलना, तूने क्यों उखाड़ लिया? साले तुझे मरने के लिए भी ना मेरे जैसे आदमी की जरूरत है, और अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी पनौती तू खुद है। अब अपने पंडित के पास जा बंबई में और उससे एक और अंगूठी पहन ले, तू जा यहां से। आज मैं पनौती हो गया, ये बात मेरे को देखकर बोल। हाँ तू पनौती है तो तू एक काम कर, एक सेकंड, तू एक काम कर, अब अपना जीवन ना तू इस पनौती के बिना कर। कर लूंगा तुझे। तेरे को नई फैमिली मिल गई ना? सुनाया जा रहा है तब से, सुने जा रहा हूँ मैं। अरे पापा, एक तो लूट के भाग गया, दूसरा भी जल्दी भाग जाएगा। जोखा, आज तो पैसे में से है कि नहीं तुम्हारी जेब में, और वो तुम्हारा साथी कहाँ गया? साहब कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो रहम करो साहब। देखिए रहम तो वो दोनों ही करेंगे तुम्हारे, यहां से कुछ नहीं होगा। चलिए। अरे चलिए ना भाई, चलिए चलिए चलिए। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ जो भी हुआ उसके लिए, बस एक बार मेरी बात की कोई जरूरत नहीं तो भागो यहाँ से। सरपंच जी, अगर एक बार हम सबने जमीनें मिला ली ना साथ में के। अरे कोई जमीन नहीं देनी, कोई खेती नहीं करनी, चलो भाग जाओ यहाँ से, भागो। खेती करने आए हैं, बड़ा आया, चलो भागो। यहाँ यूं ही मुसीबत में है, ऊपर से ये हमें सिखाने चला है। ये ले, 6 महीने की तेरी दिहाड़ी एक साथ, गांव के लिए बहुत काम करना है तुझे, इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? कुछ वजह तो रही होगी ना कि ऊपर वाले ने हमें मरने से बचाया, कुछ तो होगा। हाँ होगा तो वही तो मंजूर है, खुदा होगा, लेकिन सवाल ये मुंह फाड़े खड़ा है कि होगा क्या। अरे वो लपक मार पैसे ले गया मेरे, 2 बूट मार के उस मेंढक को रोका क्यों नहीं? अरे दादी रोक के ही तो फंस गया, लोग उड़ता तीर लेते हैं, अपन उड़ता भाला लिए बैठा है।
अब किस किस को समझाएं? पूरा गांव गुस्से में पिनपिना रहा है इसके ऊपर। तो बोलना इसे कि लेंदिया तालाब में डूब के मर जाए, मौत पड़े गांव ही सारा जज्बाती है। अरे जब तक ये मरेगा नहीं, गांव वाले को पल्ले पड़ेगा ही नहीं। क्या 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 बोला दादी, दोबारा बोलना जरा। अरे वो तो मैंने पिछले साल बोला था, अब तक याद रखूंगी क्या? अरे हा? वो नहीं, अभी अभी जो बोला था, वो क्या बोला था? अरे अरे भाई, अरे क्यों चिंगारियां कुरेद रहे हो? दादी का दिमाग के शोले भड़क जाएंगे। चिल ब्रो, दादी कभी कभी ऐसे ही जज्बाती उल्टियां करती है। हाँ, जज्बात है? जज्बात बोला था? हाँ तो जज्बात की तो बात है, जज्बात से ही बात बनेगी पप्पन मियां। दादी क्या आइडिया दिया है डार्लिंग। मैंने कुछ नहीं दिया इसको पप्पन, ये झूठ बोल रहा है। कपड़े उतार के नंगा करके इसकी तलाशी लो। अरे आपके लिए तो मैं नंगा भी हो जाऊंगा दादी। चलो पप्पन मियां। अरे नंगा झोरी करूंगा इसकी मैं। ना 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 ना, ये क्या कह रहे हो अजय भाई, हमसे ना हो पाएगा ये। किशन भाई देखो, आप जवान देके मुंह कर रहे हो। जब मैं भैंसों को नहला रहा था, आपने खुद बोला था कोई भी मदद की जरूरत होगी आप करोगे। तो मदद का बोला था ना, ये तो जिंदगी और मौत का मामला है। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे किशन भाई कुछ नहीं होगा, देखो देखो मेरी जिम्मेवारी है, आप ना बस थोड़ा हाथ हल्का। हाथ भारी पड़ गया तो? ना ना ना, अब से ना हो पाएगा। किशन भाई जब लोंडा इतना गिड़गिड़ा रही है तो मान जाओ ना, बस अपन को बता देना एंट्री कब लेनी है, लपक के आ जाऊंगा और झपक से मामला। ना ना पप्पन खा, मैं मुझसे हमसे ना हो पाएगा ये, मैं बता रहा हूँ सुनो। झुमकी झुमकी कुछ बोलेगी, झुमकी बोलो। किशन भैया मान जाओ ना, गांव का मीटर है। अरे नहीं नहीं, हमसे ना हो पाएगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करें। ले आओ इसे। अरे लेकर आओ साला, ये तो बन रिया। अरे कैसी बात कर रहा है, गांव के मारने का प्लान बना दिया इसने, अब साला इसको ही लटकाते हैं। कैसी बात कर रहे हो यार तुम। सुनो गांव वालों, इसका दोस्त तो भाग लिया हम गांव वालों को फंसा के, पर इसे ना छोड़ेंगे। इस साले को यही इस चौपाल में लटकाएंगे। चलाओ इसे। किशन भाई कैसी बातें कर रहे हो, अबे नीचे लो वापस, गांव वालों मेरी मदद करो। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आ चलो मजा ले, चलो 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 वहीं चल के देखते हैं। मुझे एक मौका दो गांव वालों से बात करने का। अबे चुप, हरामखोर मौके की बात कर रही है। अबे गांव वालों के लिए तो एक भी मौका ना छोड़ा तुम्हें। चलो भाई एक मिनट, रस्सी मजबूत देख रही, चेक करो। अबे मुंह क्या देख रही है, चेक कर। अरे गांव वालों रस्सी जल गई। अरे रस्सी जल गई तो कुछ करो। अरे क्या हो रही है, कोई रोक क्यों नहीं रहा है? चुप कर तू, चुप कर। अबे तू कैसे ऊपर पहुंच गया, पकड़ इसको। हाँ इसको पैरों से उल्टा लटका। अच्छा और इसका वर्णन चेक कर ले। अरे क्या तुम कर दिया, अरे लटका दिया अपन के यार को। अरे पप्पन भैया बचा लो मुझे, देखो मेरा क्या हाल कर दिया लोगों ने। मैं तुम्हारे पेट पड़ता हूँ, अरे छोड़ दो नहीं तो पता नहीं क्या क्या छोड़ेगा। अरे हम करता हूँ। देख पप्पन, पूरे गांव का मैटर है, तेरे कहने पर ऐसे छोड़ूंगा इसे? अरे सरपंच जी फरमान जारी करो, रोको इसे। अरे सरपंच जी मैं कह रही हूँ, मेरे पास ऐसा प्लान है कि सारे किसानों का फायदा ही फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं सुनना तो ठीक है मरने दो मुझे। अबे रस्सी खींच, हमें बता रिया है इन सारे किसानों की परेशानियों की जड़ इस वक्त तू है। लाल सुन लेते हैं कि लौंडा क्या कह रहे हैं। अब क्या सुनना है, हमारी जिंदगी गुजर गई खेती करते करते और ये बोल लिया खेती कर लेंगे 6 महीने में। अरे अरे मैं कह रहा हूँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है गांव के किसानों की परेशानी की जड़ क्या है। अबे चुप, रस्सी खींच। नहीं नहीं नहीं, उतार उतार उतार, इस बार गले में डाल। अरे किशन भैया ये कुछ बोल रहे हैं तो सुन लो ना एक बार। सुनाओ तो क्या भी? गांव के अंदर इतनी मौत हो रही है, फिर भी किशनलाल इसको क्यों लटका रही है? अरे सही तो कह रही है झुमकी, एक बार सुन लो ना क्या कह रही है। क्यों भाई खां? किशन जरा सुन तो ले, ये क्या कह रही है? अरे 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 भाई किशन, हम ऐसे नहीं है कि आदमी को मार दें। अरे पहले इसकी बात तो सुन ले। देख सरपंच जी के कहने पर तुझे बोलने का मौका दे रहा हूँ, जो बोलना जल्दी बोल डाल। अरे अब बकेगा भी क्या, सबका मुंह चाक रहा है। हाँ देखिए, अगर सच कहूं
तो इस गांव की सबसे बड़ी और पहली समस्या यह है कि इस गांव के जितने नौजवान थे वो तो सब शहर भाग चुके हैं नौकरी करने के लिए। अब ये बूढ़ी हड्डियां कैसे उगाएंगी फसल, इसीलिए हमारी उपज अच्छी नहीं होती है। सरपंच जी सच बताइएगा, जिस दिन मैं शहर से आया आपका लड़का नहीं जा रहा था शहर? दूसरी समस्या, आज जमीन पर खेती करने की नई नई तकनीकें आ चुकी हैं। इस गांव में किसी को भी कोई नई तकनीक के बारे में पता है? पता है इस गांव में? लो अब ये सिखाएगा हमें तकनीक। क्यों क्यों रामदास, क्यों नहीं सिखा सकता तकनीक? अरे इंजीनियर हूं, सारी पढ़ाई लिखाई झोंक दूंगा अपनी। गांव को मुसीबत में झोंकने के बाद अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू? बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं किशन भाई, मैं बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूं। अरे हमारे देश का जो किसान है ना, उसकी समस्या ये नहीं है कि उसके सर पे कर्जा है या सरकार उसकी मदद नहीं करती है। सबसे बड़ी समस्या तो उपज की है, हमारी उपज ही उतनी नहीं है। रामदास एक फसल में कितना किलो अनाज आ जाता है? ये लगा लो कि एक हेक्टेयर में 800-900 किलो। 800-900 किलो? आपको पता है बाहर का किसान एक हेक्टेयर में कितनी फसल उगाता है? कितनी? 3000 किलो। है? खुल गई आंखें? 3000 किलो। अब सोचिए अगर एक हेक्टेयर में आप लोगों ने 3000 किलो कर लिया, आपको चाहिए किसी सरकार की मदद? आप लोगों के सर पे कोई कर्जा होगा? नहीं होगा ना। अरे थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत होगी जो मैं कर लूंगा, क्योंकि फसल उगाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तो आप लोगों के पास है, जमीन। जमीन? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे हम लोग अपनी अपनी जमीनों पे खेती करते हैं, उससे अब तक क्या हुआ? उससे कुछ होगा भी नहीं सरपंच जी, क्योंकि हम लोग इस देश में टुकड़ों में खेती करते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग सब अपनी जमीन मिलाएं और एक बड़ी जमीन पे खेती करें, फिर उसका नतीजा क्या निकलता है आप देखिएगा। मुझ पे एक बार विश्वास तो करके देखिए गांव वालों, मुझे एक बार एक मौका देके देखिए बस। चलो भाई अब ये किसानों के नेता भी बन गए हैं, कोई ना मानने वाला तेरी बात, देख नहीं रहा सब सन्नाटे में खड़े हुए, तब समझ नहीं आ रही कुछ। भाई खेती के लिए देखो बीज लगता है, खाद लगती है, दवाई लगती है, अब इतनी बड़ी जमीन के लिए कहां से लाएंगे? हां कहां से आएगा? कहां से आएगा? झुमकी कहां? तुम कुछ बोलना चाहती थी शायद, बोलो। हां हां मेरे बाबू देंगे। हां क्या बात है? कौन बाबू? बीज खाद दवा आधी कीमत पर। कौन बाबू? तू बाबू पगला रही है क्या? अरे पगला नहीं रही बाबू, तुम्हारी इज्जत बढ़वा रही हूं। देखो गांव वालों, दुबे जी ने बीज और खाद का वादा कर दिया, ठीक है, ट्रैक्टर यहाँ से आ रही है, आप लोग बस अपनी अपनी जमीन एक करने का वादा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। झूठ बोलू दुबे जी का मरा मुँह देखो। बात तो सही कह रहा है लौंडा, जब से मेरा लड़का शहर गया है मेरी जमीन वीरान पड़ी है, अब इस उम्र में इन हड्डी से मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकता, मैं जो इसे अपनी जमीन दे रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। अरे चचा खा, तुम क्या अपनी जमीन पर मिसाइल उगाओगे? तुम भी हाँ कर दो। नहीं होगा ऐसे, एक दो के हाँ बोलने से नहीं होगा, गांव वालों सबको अपनी अपनी जमीन देनी होगी, क्योंकि जब पांचों उंगलियां मिलती हैं तभी तो एक मुट्ठी बनती है। चलो हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ। अरे कोई हाथ क्यों नहीं उठा रही है? अब तो सरपंच जी भी मान रहे हैं ना। मैं क्या बोल रहा था? आखिर इसके मरने में हर्ज क्या है बाबू? और मैं क्या बोल रहा था, आखिर इसके जिंदा रहने में हर्ज क्या है? आज से इस गांव में मरने मराने की कोई बात नहीं होगी, हाँ सिर्फ जीने की बात होगी। उठाओ हाथ, अबे उठाओ। कवनसो काज कठिन चकमाही, जो ना हुई तात तुम पाही। अर्थात जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर पाओ? रामायण का श्लोक है। ये इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ता था, अर्थशास्त्र की किताब। तुम नहीं समझोगे इसकी बात, क्योंकि नहीं समझने की आदत पड़ गई है तुम्हारी।
आज अगर इसकी बात नहीं माने ना, एक एक करके सब फांसी पे लटक जाओगे, सब मर जाओगे। क्योंकि ये जो कुछ कहता है ना, वो सब इस किताब में लिखा हुआ, इस किताब में लिखा। क्या कह रहा था ये? अलग अलग जमीन, अलग अलग खर्चा, खाद, बीज, ट्रैक्टर, ट्राली, तेल, दवाई। एक जमीन एक खर्चा, एक जमीन कम खर्चा, यही कह रहा था ना। मेरा खर्चा है कितना? दो बड़ी, दो चाय, दो रोटी, नहीं पीढ़ी से कैंसर हो जाता, छोड़ दी। मार डाल इसको, जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, रुकना नहीं। ये ले, वो भाग जा भाग जा, फांसी चला देंगे तुझे, मेरी जगह पागल कर देंगे, समझा? जा भाग जा। मेरे तो जमीन भी नहीं है। रामायण में भी लिखा है कि सही का साथ देना चाहिए। भारी है रामायण, हैं? वो साला लौंडा शहर का दो दिन नहीं हुए उसे आए, इसे तूने बना दिया भगवान राम। मैं तेरा बाप, जिसे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये साला हो गया रावण। बारे बा बारे बा, खुद ही बोल रहे हो। सुन कान खोल के, मैं ये बोल रहा हूँ कि कह दे इन सबसे, मैं अपना माल बिना मुनाफे के नहीं बेचूंगा, बस। और सुन कान खोल कर, इस लड़के के साथ घुसड़ पुछड़ करना बंद कर दे, बस। मैं घुसड़ पुछड़ कर रही हूँ? हाँ। देखो बाबू, तुमने ना बहुत मोते देख ली है, इसलिए तुम्हारा दिल तो हो गया पत्थर का। मुझसे नहीं देखी जाती, मैं तो साथ दूंगी उस लड़के का, तुम रोक सको तो रोक लो। ये भी हूं तेरा बाप, रोक सको तो रोक लो। अभी देख, देखो बात ये, इस आदमी ने एक बड़ी परेशानी की बात बताई है कि गांव के सारे जवान मर्द शहर भाग गए हैं। बात तो सही है, तो ये पूछता है कि अब खेतों में जमीनों में कौन काम करेगा। इस पगलेट को पता ही नहीं है कि हमारी गांव की औरतों ने भले चूड़ियां पहन रखी हो, पर किसी भी काम में मर्दों से पीछे नहीं बैठेंगी, और अगर अभी जरूरत पड़ेगी तो गांव के लिए मर्दों के सारे काम भी हम करेंगे। तो बोलो कौन कौन है मेरे साथ? ये बात। अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ दही जमा रहे हो, दुबे जी ने वहाँ रायता फैला दिया, पंचायत जमा रखी है, जल्दी चलो। अरे पंचायत जमा रखी है, चलो यहाँ से, चलो जल्दी। अरे पूरा गांव सर पे उठा रखा है, इससे पहले कि गांव से सर पे उठा ले। सरपंच जी, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये दोनों के दोनों लौंडे हैं ना, ये बिल्ली का गूं है, ना लीपने के ना पोतने के। ये देखो ये आ गए। क्यों भाई, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? भाग गया? तू ना भागा क्यों? ये लौंडिया चक्कर में? बाबू क्या बोल रहे हो? तुम लोगों ने इनको जमीन दे दी, ठीक है, मान लो मैं अगर मुनाफा ना भी लूँ, फिर भी बीज खाद दवा की खरीदी के पैसे तो लगेंगे, हैं? पैसे कहाँ से हैं? अजय बेटा, इस बात का जवाब है। अजय,
कुछ सोचा ना इसके बारे में? देखिए, आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन हम सब गांव वाले साथ मिलेंगे तो जोड़ के कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे। कुछ नंगा नाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? कुबेर की नगरी में आयो हैं? यहाँ तो पहले ही सब लोग भूखे नंगे बैठे हुए। जमीन बहुत बड़ी है, बहुत पैसे लगेंगे, कम से कम 2-3 लाख रुपए तो खर्चा हो ही जाएगा। बताओ सरपंच जी, रोशनी करो खुदा को मंजूर, तो आंधियों में चिराग जलते हैं। 40,000 अपन के लिख लो। कहाँ से आएंगे? ये जो गाड़ी है ना सजी धजी, 60,000 का माल है, 40 में तो कोई भी लेगा ना, पक्के बेच देंगे। अपन नहीं, कैसी बात कर? पप्पन, तेरी तो जमीन भी ना है, तू क्यों दे रही है? और इनका तो गांव भी ना है, फिर ये क्यों अपना भेजा गुर्दे और किडनी लगा रहे हैं? 30-40 हज़ार में हो रही है? ऐसा है दुबे खां, एक बात कह रहा हूँ, तुम्हारी आंख में ना सुअर का बाल है और बदन पे गेंडे की खाल है। पैसा अगर होता भी ना तो तुम ऐसे ही चिरक जाते। बेकार की बात है, मैं कतई ना मुकरता, जुमके की सौगन, एक पैसा मुनाफा ना लेता मैं। गांव की इज्जत अपनी इज्जत, समझे? यहाँ तो सच्चाई ये है, खरीदी के पैसे कौन देगा? बोलो बोलो अजय। देगा? और मेहनत मजदूरी कौन करेगा? ये बुड्ढे जिनकी हर रविवार को बारी बारी से डोली निकलने वाली है। भाई वाह। तो भाई बताओ कौन कौन साथ दे रहा है इनका, है कोई? कोई है? है कोई? अरे कोई है? अरे कोई बोलेगा कौन है इनके? तुम लोगों का पता नहीं, पर मैं और गांव की सभी औरतें और सभी लड़कियां खड़ी इनके साथ, हम काम करेंगे। अरे तेरे खड़े होने से क्या होता है, ये सारा का सारा गांव भी अगर मिलके इनके साथ खड़ा हो जाए ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। बात तो पैसे की, पैसा कहाँ है? धोबे जी पक्के बिल बांट रहे हैं। तुझे सीरियस ही लगा कि मैं छोड़ के भाग गया? किसान की लटकती हुई लाश मुझे याद आ रहा था। मैं बैकआउट नहीं कर सकता, लेकिन तू समझा नहीं यार, अकेले ही रोन नहीं गया तुझे? नहीं यार, ये बस एक गांव वालों को थोड़ा भला हो जाए, मैं बस ये चाहता था। कैसे होगा? ऐसे ही जैसे हमेशा करता है, बोल दिया तो बस आगे बढ़ गए। प्लानिंग लगेगी ना, आउटलाइन बनानी पड़ेगी ना। स्टार्टअप में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, तो तुझे मालूम है? 3.5 लाख रुपए अपने स्टार्टअप के लिए। 3.5 लाख कहाँ से लाया तू? पहले गया मकान मालिक से डिपॉजिट वापस लिया, FD तोड़वाई, चेन तावीज अंगूठी सब बेच दिए। साले FD तेरा हनीमून का बजट था। अरे हनीमून तो यार उस दिन रेलवे ट्रैक पे गया। और तू सही कहता था, एस्ट्रोलॉजी का चक्कर बेकार है, कोई तावीज नहीं, अब अपने तावीज खुद बनेंगे। आका, अब ना आपकी जरूरत है ना आपके बीज और खाद की। जुमकी, इसे गलत मत समझना है, बहुत साथ दिया इसने हमारे, पीछे अपने बाप से लड़ ली और गांव में सबसे पहले हमारे साथ खड़ी हुई थी। ओहा बढ़ान,
अपन के इधर पकौड़े तल रहे थे, यही रोजगार बचा है। उसमें कितना पानी जाएगा, उसमें खाद कौन सी डलेगी, उसकी दवा कौन सी होती है, हमको सबसे अच्छी खाद कहां से मिलती, गाय और भैंस के गोबर से। तो हमको पूरे गांव का जो गोबर है अभी इकट्ठा कर, गोबर से खाद बनाने में बहुत वक्त लगता है बेटा। तो सरपंच जी, हमको थोड़ी ना जरूरत है सब करने की। तू तो काम करेगा, मेरे कुछ दोस्त है। सारा गांव इतना बैठा है, मुझे अकेला छोड़ के गिले गोदाम की कुंजी जितना माल छीन निकाल। हाँ, दिमाग का मसीना निकल गया। तू ना मोटी हो गई। हाय राम, मोटी? अरे अपन क्या बस कर दिया, रोक नहीं से। पता है शहर की लड़कियां क्या क्या करती हैं पतला रहने के लिए? क्या करती है? अच्छा देखिए, जहाँ एक तरफ पानी हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी है, वहीं अगर पानी ज्यादा हो जाए तो फसल पीली पड़ जाती है। ये है नैनो गनिंग, ये मोबाइल से चलता है। फसल में कितना पानी देना है, कब देना है, ये खुद ब खुद कर लेता है। तो रात को बार बार उठ के पानी खोलने बंद करने की मुसीबत खत्म। जब आप लोगों की फसलों में कीड़े लग जाते हैं या घास उगती है, क्या करते हैं आप लोग? ये जी फसल में घुस कर ढूंढना पड़ता, छोटी जमीन में बड़ी मुश्किल हो जाती है, पर इतनी बड़ी जमीन में कीड़ों और घास ढूंढने में उमंग निकल जाएगी, पर फसल दबेगी वो अलग। तो क्या आवाज आप पे बैठ के ढूंढेगा? ₹1500 क्विंटल का भाव निकला है आज, बताओ कितना माल है? किशन भाई, ये लड़ाई आपकी नहीं है, मैं खुद लड़नी होगी। जा रहा हूँ। क्या साहब, 1500 तो बहुत कम है, सरकारी भाव भी कम से कम 1950 का है,
तो बेच लो सीधे सरकार को। तुम्हें पता नहीं है पिछले 15 दिन से सरकारी कांटा बंद है, आज का तो यही भाव है और इसी भाव में बेचना पड़ेगा। 1500 रुपए क्विंटल। तो सरकारी कांटा भी तुमने बंद करवाया होगा क्या? अच्छा चलो मान लो हमने बंद कराया, अब क्या करना है जल्दी बताओ। करना क्या, इतने कम पे नहीं बेचेंगे। मंडी का यही हिसाब होता है अजय। अगर मंडी का यही हिसाब होता है तो सोसाइटी का भी यही हिसाब होता रहे। तो जल्दी बताओ क्या करना है इस माल का। निर्णय सिर्फ तुम्हारा नहीं है रामदास, सब किसानों का है। नहीं बेचना। क्या बोला? नहीं बेचना। जोर से बोलो, नहीं बेचना। अरे पागल हो गए क्या? अब गांव में जाकर सीधे फंदे पे मत लटक जाना। पूरे मंडी में अगर तुम्हें कोई ज्यादा पैसे दे दे तो कसम से तुम्हारे जूते चाट लूंगा मैं। हाँ यहाँ सबसे बड़े कीड़े यही हैं जिन्होंने किसानों का फोन चूस रखा है। मामले को रफा दफा करो। किसी बात कर रहे हो पप्पन मिया, नहीं बेचेंगे हम इतने कम पे। अरे तो अनाज सड़ जाएगा ना, इसकी उम्र कितनी होती है भाई, अभी ढीले नहीं पड़ सकते। उठाओ ये सब यहाँ से, जल्दी उठाओ, जगह खाली करो यहाँ पर। सरबती गेहूं है, मैंने चेक कर लिया, एक नंबर क्वालिटी में गेहूं अच्छी। अच्छा सुनो, तुम ये माल घर पे भी अगर ले जाओगे ना तो वैसे ही सड़ना है, यहीं पर तय कर लो भाव, फायदे में रहोगे, समझे? एक बात बताइए, आप जब बाजार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी, जूता, कपड़ा, मोबाइल, इसका रेट कौन डिसाइड करता है? खरीदार करता है या उसे बनाने वाली कंपनी करती है? बनाने वाली कंपनी करती है ना। तो फिर ये जो फसल इस किसान ने उगाई है इसका रेट कौन तय करेगा? आप करेंगे कि एक किसान करेगा? 2200 रुपए क्विंटल एक दाम, जो कि मार्केट का प्राइस है, देना है तो दीजिए वरना। 2200 रुपए पागल हो गए क्या? अरे 10-20 रुपए ऊपर नीचे कर लो, तय कर लो, फायदे में रहोगे। रामदास सामान उठाओ, हमको नहीं बेचना। चलिए 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 चलिए। सुनो दोबारा माल बेचने आओगे ना तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझे? सोच लो। छोड़ छोड़ चलिए चलो। अब गांव वालों का कहना था कि मंडी में सामान बेच देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना था कि अगर हमने सामान बेच दिया तो मुनाफा तो दूर की बात, बैंक का कर्जा तक मुश्किल से उतर पाता, मगर वहीं दूसरी तरफ माल के सड़ने का भी डर था। मैं और समीर अपनी बात पे अड़े थे, लेकिन शायद अंदर से हमारी भी हालत खराब थी। गांव वाले अलग से उदास थे, ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन किसी ने कहा है ना कि अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाता है, इसीलिए कहानी अभी बाकी थी। दिस इज सेकंड चांस विद अनु कपूर। इस शो में हम पेश करते हैं सक्सेस स्टोरीज उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में मिले सेकंड चांस को एक नया मोड़ दिया, नई दिशा दिखलाई। थैंक यू। इनकी सक्सेस स्टोरी एक बहुत रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुकी है। ये सागा ऑफ सक्सेस जारी रहेगी, बट इट इज टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तू कहाँ चला गया था रे बेटे? अरे घर वालों से नाराज होके ऐसे हो जाता है क्या? तुझे पता तेरी माँ की हालत बहुत बुरी हो गई थी बेटा। सॉरी पापा मैं। अरे गलती मेरी थी ना बेटा, तो इसमें तेरी माँ का क्या कसूर है बता? मुझको समीर ने फोन करके यहाँ बुला लिया।
नहीं तो तू तो जिंदगी भर नहीं मिलता हमसे। अरे बाप से भी गलती होती तो उसको भी तुम माफ कर दिया जाता बेटा। नहीं पापा, अब से कोई गलती नहीं हुई है, किसी से कोई गलती नहीं हुई है। हमारा टाइम ही खराब था शायद पापा। अच्छा मैं किसी की नहीं सुनूंगी, तू घर चल बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चल चल बस। एक्सक्यूज मी सर, शॉर्टकट नहीं, एक मिनट मैं आता हूँ। वेलकम बैक टू सेकंड चांस विद अनु कपूर। हम सुन रहे हैं सक्सेस स्टोरी अजय और सनी। जनाब आगे क्या हुआ? मुझे तो डर है कि हमारी मेहनत इतनी खराब ना हो जाए। यहाँ ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। ये सारा अनाज मंडी में ही ले जाकर बेचना पड़ेगा, इसके अलावा कोई खरीदार नहीं। अरे उम्मीद का दुपट्टा पकड़ा है तो मुट्ठी कस के रखो चाचा, यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। और वैसे भी मिल गया खरीदार। चल मुझसे पूछा था कि मैं क्या करता हूं, आज मेरे पास उस बात का जवाब है। मैं बिजनेस करता हूं और इत्तेफाक से जिस ट्रेड में आप काम करते हैं उसी ट्रेड में मैं भी हूं। Really? आप जिस चीज को एक्सपोर्ट करते हैं मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूं। सर हियर आर द सैंपल्स। क्यों? Have a look. What do you think? Oh. Looks from a pretty good quality, I would say. Sir, ये माल जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो एजेंट्स के थ्रू आपको ये 2300 रुपए क्विंटल पे पड़ता है। आप हमसे डील करिए, नो एजेंट्स, आपको ये सामान 2200 रुपए क्विंटल पे पड़ेगा फ्लैट। 2200 क्विंटल? मैं ये डील नहीं कर सकता हूं। वो इसलिए कि मैं सिर्फ अपने जानने वालों के साथ बिजनेस करता हूं। शिल्पा ने रजत को मना कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें ये डील डन करना है तो तुम्हें मेरा रिश्तेदार बनना होगा। डबल डील देन। तो सर आज हम लोग वाइन पियेंगे कि नहीं? आई एम श्योर आज समीर भी मना नहीं करेगा। वाइन? टुडे इज द डे फॉर शैंपेन। शैंपेन इट इज। थैंक यू। बस फिर क्या था, समीर को बिना मुहूर्त के शिल्पा मिल गई और किसानों को उनकी फसल का सही दाम। कर्जा तो हमने चुकाया ही, आगे खेती करने के लिए अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। तो ये थी हमारे और किसानों के स्टार्टअप की कहानी। देवियों और सज्जनों, क्या आपको मालूम है कि हमारा देश एग्रीकल्चर लैंड के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन इसके बावजूद हमें बाहरी देशों से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? सरकारें मदद करती हैं, फिर भी हमारे देश का किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। क्यों? आज अजय और समीर ने हमें सिखलाया कि हमारे देश के किसान अगर सामूहिक खेती करें, कलेक्टिव फार्मिंग, नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी यील्ड, अपनी उपज, अपनी उत्पादन क्षमता का स्तर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकता है, और तभी होगा हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर।
जब देश का किसान आत्मनिर्भर होगा तब आत्मनिर्भर बनेगा हमारा ये प्यारा देश। और एक बात और सिखाई इन नौजवानों ने हमें, शहर के यूथ को एग्रो बिजनेस में, फार्मिंग में भी जबरदस्त स्कोप है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अब हम जो है सारे सिस्टम को थोड़ा उल्टा चलाएं। जैसे लोग शहर में काम करते हैं और छुट्टियां मनाने गांव जाते हैं, वैसे ही अब हम लोग काम गांव में करेंगे और शहर आएंगे छुट्टियां मनाने के लिए अपनों के पास। एक चीज और कि ये जो हमारे देश की मिट्टी है ये आज भी सोना उगल सकती है, बस जरूरत है कि हम इससे प्यार करें। लवले बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में, लोग तो मिट्टी से सोना ही निकालें और तुम मोती उगाओ रेत में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मोती, मेरे देश की धरती। झटका देने बोले सर, बाइट के कल गाड़ी रुकाया सर, हाथ से एक्टिंग कर को थोड़ी थी गणपति बाप्पा।